करो। हेलो, तो इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कंट्रोल सिस्टम का एक मैराथन क्लास लेकर हम लोग आए हैं, और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल सिस्टम को शॉर्ट वे में पढ़ने वाले हैं। और बच्चों ये बता दूँ कि इम्पोर्टेंस इस सब्जेक्ट की इतनी इम्पोर्टेंस है कि आजकल जेई लेवल पर या ए लेवल पर, ए लेवल पर तो खूब पूछता है पहले से, लेकिन जेई लेवल पर ये सिलेबस का हिस्सा नहीं होता, लेकिन यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कंट्रोल सिस्टम अगर हम लोग देखें, DFCCL के एग्जाम्पल ले लें, कंट्रोल सिस्टम ने 5-6 सवाल पूछा है, SSC ने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, सवाल पूछ रहा है। आने वाला अपकमिंग एग्जाम है BHPSCL का, हो सकता है उसमें भी सवाल पूछे। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, एक एग्जाम है, तो उसमें तो खूब आएगा कंट्रोल सिस्टम। तो काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे ये कहा भी है कि आप RRB के लिए, क्या है कि जैसे भी टाइम है तो बीच बीच में जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए एक लंबी सी क्लास लेकर आए पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम लोग कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, जितना ऑब्जेक्टिव संभव हो सकता है, क्या क्या न्यूमेरिकल को आप बहुत ही शॉर्ट वे में लिख सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से ज़रा शेयर करो फटाफट से, ताकि 1-2 मिनट में सभी लोग लाइव आ जाएं, और ताकि क्लास में ज़्यादा से देखिए, ये जब पता है आप लोगों को कि ये लंबी क्लास चलने वाली है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो कि आज ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आज ये नहीं होगा, पहले एक चीज़ को पढ़ लो यार बढ़िया से। और मैं एक समय पर एक ही टॉपिक आप लोगों को करवा सकता हूँ। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए कंट्रोल सिस्टम में अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, तो जो जो हम लोग आज देखने वाले हैं, अगर हम लोग बात करें कि ओपन लूप और क्लोज लूप, तो इसका आइडिया सभी को होता है। ट्रांसफर फंक्शन लिखना हम लोग सीख लेते हैं, एक तो न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम मैकेनिकल से, कोई भी मैकेनिकल मैकेनिज्म से हम लोग इलेक्ट्रिकल में कैसे सर्किट को ड्रॉ करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से बहुत ही शॉर्टकट वे में हम लोग लेकर चलेंगे, और उस हिसाब से लेकर चलेंगे कि जहाँ से ऑब्जेक्टिव संभव है। फिर हमारा आएगा एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, 15-20 मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे। ऐसे ही फिर आएगा टाइम डोमेन एनालिसिस। तो टाइम डोमेन एनालिसिस में भी 5-6 फॉर्मूला है, बस उन्हीं फॉर्मूला को हम लोगों को याद रखना है, ज़्यादा कुछ लेंथी नहीं है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पोलर प्लॉट, क्योंकि पोलर प्लॉट इंपॉर्टेंट है, पोलर प्लॉट पढ़ेंगे। पोलर प्लॉट के बाद में हम लोग चलेंगे बॉर्डर प्लॉट से क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव आएगा, आएगा तो पेपर में, तो बॉर्डर प्लॉट हम लोग देख लेंगे। उसके बाद चलेंगे राव थोरवीडेस क्राइटेरिया पर। तो यही एक ऐसा सेशन है जहां से आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 घंटे में यहाँ पर हम लोग पूरे कंट्रोल सिस्टम को कवर कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं ओपन लूप, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से। तो देखिए बच्चों, जो थ्योरी वाले सवाल हैं इनको मैं आपको बताता रहूंगा, आप उनको नोट करते रहेंगे। तो ओपन लूप और क्लोज लूप की जब भी हम बात करते हैं, देखिए कंट्रोल सिस्टम, पहली चीज़ तो ये है कि इस सब्जेक्ट का मतलब ना तो पंखे की स्पीड को कंट्रोल करना है, पहली चीज़ ये, ठीक है। कभी आपको लग रहा होगा कोई चीज़ तेज चल रहा है उसको स्लो कर दो, इसका उस मैकेनिज्म से मतलब नहीं है। यहाँ यह है कि कंट्रोल सिस्टम का मतलब यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू द जो हमने सेट किया है, जो हम लोगों ने डिजायर्ड आउटपुट जो हम लोगों को चाहिए, क्या उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जब हम देख रहे हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, आपने बच्चों यहाँ पर कुछ इनपुट अप्लाई किया, ये इनपुट यहाँ पर कुछ प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में आपको यहां पर आउटपुट मिल गया, ठीक है। यानी कि यहां पर कोई भी फीडबैक अवेलेबल नहीं है। यहां हमने देखा है कि आपने कुछ इनपुट अप्लाई किया, इनपुट अप्लाई किया, यहां पर ये प्रोसेस हुआ है, यहां पर ये प्रोसेस हुआ और यहां पर ये आउटपुट मिला। और फिर ध्यान ये देना है आप लोगों को
ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आप फीडबैक यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप फीडबैक यूज कर रहे हो, तो ये इस तरह का सिस्टम कहलाएगा क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो अगर ओपन लूप सिस्टम के लिए हम लोग देखें, एग्जांपल खोजने की कोशिश करें, तो देखें वाटर हीटर, अगर हम लोग ले वॉशिंग मशीन, ठीक है, तो ये सब वाटर हीटर में देख लीजिए। अगर हम वाटर हीटर की बात करें, आपने पानी को गर्म करना लगा दिया, पानी गर्म होता जा रहा है, अब आपने आपको नहीं पता कि यार इतने समय में कितना डिग्री टेम्परेचर ये अचीव करेगा या नहीं करेगा, तो हम लोगों ने ले लिया है कि ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। अगर हम एसी का एग्जांपल ले लें, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया है एसी का, थोड़ा सा अभी बेसिक चीज़ें मैं बता दूँ, उसके बाद में हम लोग सीधे ऑब्जेक्टिव पर आ जाएंगे। तो जब हम एसी पर बात करें बच्चों कि रूम टेम्परेचर, इसको थोड़ा सा बस समझ लें, रूम टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री है एंड वी रिक्वायर्ड, हम लोगों को जो रिक्वायर्ड है वो 20 डिग्री है, तो क्या करेगा कि 20 के हिसाब से हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को चाहिए क्या 20, लेकिन अभी रूम टेम्परेचर क्या है 30, तो इससे ये कंपेयर करेगा, अभी कितने का डिफरेंस है 10, तो अभी जो इनपुट फेड करेगा वो करेगा अकॉर्डिंग टू द 10th डिग्री के हिसाब से, क्लियर है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जहां कुछ इनपुट टू आउटपुट के बीच में कुछ फीडबैक कनेक्ट होता है या फिर यहां पर कोई फीडबैक नहीं है, तो ये हो जाता है हमारा ओपन लूप कंट्रोल क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल। चलिए, तो यहां से पेपर में कुछ आने वाला नहीं है, वो थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को बताना था इसलिए ये टॉपिक मैंने लिया है। चलिए, जहां से एग्जाम में आते हैं अब उस पॉइंट पर आ जाते हैं बच्चों। तो यहां हम लोग देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन, ये पेपर में मिलता है, ये मिलेगा आप लोगों को पेपर में ट्रांसफर फंक्शन। और देखिए मैं इस पूरी क्लास में, चाहे मेरी क्लास कितनी भी लंबी क्लास चले, इस पूरी क्लास में हम लोग कंट्रोल सिस्टम को खत्म करेंगे, कंट्रोल सिस्टम को पूरा करेंगे। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन होगा, ट्रांसफर फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, और देखिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विद जीरो इनिशियली, विद जीरो इनिशियल कंडीशन, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद जीरो इनिशियली कंडीशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और डेफिनेशन आउटपुट अपॉन इनपुट बिल्कुल भी नहीं है, पूरी डेफिनेशन को याद रख कर जाए बच्चों कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद जीरो इनिशियली कंडीशन। तो देखिए हमने यहां पर लाप्लास लिख लेते हैं बच्चों, तो ये हमारे लिए क्या आर, यहां पर हम लोगों ने लिया है एल, ये देख ले हमने, ये ले लिया बच्चों वी नॉट, और यहां से लिया है वी आई, और यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है ये लिया है जी आई टी। इसके लिए हम लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है, क्लियर। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने ट्रांजेंट में भी आप लोगों को लिखना सिखाया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप क्या कर रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो आप इसमें देखिए केवीएल लगाइए, तो वी आई बराबर आर आई टी प्लस, एल में वोल्टेज क्या रखते हैं डी आई टी अपॉन डी टी, तो आपने स्टूडेंट किया एल डी आई बाई डी टी। चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए बच्चों क्या रहेगा, वी आई एस बराबर आर आई टी का सिंपल लिखिए आई एस प्लस। देखिए मैंने आप लोगों को बताया है लाप्लास को, यहां भी मैं लिख रहा हूं, अगर हम बात करें किसी भी फंक्शन के लिए जहां डिफरेंशिएशन हो रहा है और इसका हम लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, जीरो इनिशियली कंडीशन हम लोगों ने ऑलरेडी मान रखा है, तो हम क्या लिखेंगे एस एफ एस माइनस ये, लेकिन ये हम लोगों ने क्या माना हुआ है जीरो इनिशियली कंडीशन, तो भैया यहां से आ जाएगा एस एफ एस, यही काम मैंने यहां पर करना है, तो यहां पर एल एस आई एस, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम लोगों को ये मिल जाएगा वी आई एस बराबर आई एस आर प्लस एस एल, इक्वेशन नंबर वन। वी नॉट के लिए देखें, वी नॉट बराबर, वी नॉट किसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इंडक्टर के क्रॉस में, तो एल डी आई टी बाई डी टी, तो बच्चों यहां से मिल जाएगा एस एल
आई एस, ये इक्वेशन नंबर टू। तो ट्रांसफर फंक्शन जो भी होगा हम लोग क्या लिखेंगे, अब वी नॉट एस अपॉन वी आई एस, ये क्या है, ये क्या लिखेंगे हम लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए जी, वी नॉट हाउ मच, आप कहेंगे सर एस एल आई एस अपॉन में, यहां क्या है बच्चों, आई एस आर प्लस एस एल, आई एस से आई एल कैंसिल हो गया, एस एल अपॉन आर प्लस एस एल, ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है और आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखिए डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड वोल्टेज क्या, अब बताओ, नोटिफिकेशन में तो कुछ नहीं कर सकता बच्चों में, ये यूट्यूब की गलती है, मेरा काम तो यहाँ मेहनत करना है, पढ़ाना है, वो मैं कर रहा हूँ अपनी ईमानदारी से। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों हम लोग। देखिए जितने भी संभव, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो बच्चे इस क्लास को अटेंड करके चला जाएगा, एक भी सिंगल न्यूमेरिकल हो या ऑब्जेक्टिव हो ऐसा नहीं होगा जिसका वो जवाब नहीं दे पाएगा, सबको सवालों को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो मैंने देखिए बच्चों क्या लिया है, यहाँ पर R ले लिया और ये दिया गया है L, और यहाँ पर दे दिया है C, ठीक है, और इसके लिए हम लोगों को ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, इसके लिए हम लोगों को ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। यहाँ से देखा हम लोगों ने VI है, यहाँ से देखा हम लोगों ने तो V नॉट है, और यहाँ पर जो करंट है ये IT है, तो लिखिए जी ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन लिखना अभी एक छोटे से न्यूमेरिकल में हम सीख चुके हैं, तो वी आई बराबर आर आई टी प्लस एल डी आई टी बाई डी टी प्लस वन अपॉन सी आई टी डी टी। देखिए अगर कोई बच्चा कह रहा है ये कि सर कैसे लिखा है, तो इंडक्टर के केस में हम वोल्टेज क्या लिखते हैं, जैसे ये आई है तो वी बराबर एल डी आई बाई डी टी, और स्टूडेंट कैपेसिटर के केस में अगर ये करंट है और यहाँ पर वोल्टेज हम लिखें तो वन अपॉन सी आई डी टी, ये हम कैपेसिटर के केस में लिखते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन से लीजिए जी लाप्लास, लिखिए वी आई एस बराबर यहाँ क्या आर आई टी की जगह क्या आई एस प्लस, डिफ्रेंशिएट हुआ है तो एस एल आई एस प्लस। अब देखिए जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कोई फंक्शन होता है एफ टी, और इसके लिए अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो ये हो जाता है एफ एस अपॉन एस, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको वन अपॉन सी एस और यहाँ आई एस, तो आपको ये मिल गया है। तो इसको ले लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर वन। फिर यहाँ से देखिए वी नोट बराबर आप क्या लिखने वाले हैं, तो V नॉट बराबर यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, V नॉट बराबर वन अपॉन सी आई डी टी, तो ये हो जाएगा आई एस एस सी, ठीक है। यहां से देखिए अब V नॉट S अपॉन वी आई एस बराबर जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, तो आप रख दीजिए वैल्यू को आई एस अपॉन एस सी। अभी देखिए हम लोगों को क्या करना होगा, R आई एस प्लस एस एल आई एस प्लस आई एस बाई एस सी। चलिए जी अब सॉल्यूशन करिए, तो आई एस से यहाँ कॉमन लीजिए, आई एस से आई एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा वन अपॉन एस सी, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, एस सी आएगा कॉमन, एस सी आ जाएगा यहाँ से, तो ये देखिए आर एस सी प्लस एस स्क्वायर एल सी प्लस वन, यहाँ आएगा एस सी, ये चला जाएगा ऊपर या इससे ये कैंसिल, तो वन अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर एल सी प्लस आर एस सी, ये आपको लाप्लास के हिसाब से ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन, एक बच्चा कह रहा है कि मुझे भाई भी पता है ईएमएफ एंड वोल्टेज के बारे में, चलो जवाब दे देता हूं, वोल्टेज का मतलब है वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट, तो V बराबर W अपॉन Q, ये होता है हमारा वोल्टेज का मतलब। ईएमएफ का मतलब होता है
इट इज ए एनर्जी या एक ऊर्जा है जो प्रत्येक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कराने के लिए दी जाती है. तो इट इज ए एनर्जी, इट इज ए एनर्जी विच इट गिव्स टू, इट गिव्स टू ईच कूलम ऑफ चार्ज. तो वोल्टेज एक वर्क डन होता है और ईएमएफ किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक दी गई ऊर्जा होती है यानी कि एनर्जी होती है. अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो वोल्टेज की डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड, V बराबर W अपॉन Q. और EMF को हम लोग लिखते हैं, इट इज अ एनर्जी विच इट गिव्स टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी प्रत्येक चार्ज को दी गई है ऊर्जा होती है. चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. वेरी गुड, एक्सीलेंट यार, जिन बच्चों ने यही कैलकुलेट किया है शाबाश. अभी देखते रहो आप कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ कंट्रोल सिस्टम में. अभी तो शुरुआत की है ना मैंने क्लास की, और ये भी मैं बता दूं कि इस क्लास को मैं लेने के बाद में दो दिन के बाद में डिलीट भी कर दूंगा इस क्लास को, क्योंकि जिन बच्चों को सब्जेक्ट की या सिलेबस की कदर नहीं है उनके लिए रख के क्या करूं, जिन्हें है वो क्लास देख ही रहे हैं. चलो जी नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट. अब ट्रांसफर फंक्शन सब लोग लिख पाएंगे कि नहीं, ट्रांसफर फंक्शन लिख पाएंगे सभी लोग? आज इसका थ्योरी कर लेते हैं पूरा और फिर कभी इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे. तो ये पढ़ लिया. अभी देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए हम लाप्लास पढ़ भी चुके हैं. ठीक है, तो लाप्लास मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, आपको ऐसे यूज करते रहेंगे, जो बीच बीच में आएंगे उनको हम लोग लेते रहेंगे. तो देखिए बच्चों यहां ध्यान से समझना है आपको ये पॉइंट, हम लोग बात कर रहे हैं अब मैकेनिकल मैकेनिज्म की, या बात कर रहे हैं हम लोग मैकेनिकल सिस्टम के लिए, हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल सिस्टम के लिए. तो देखिए बच्चों जब हम मैकेनिकल सिस्टम के लिए बात करते हैं तो मैकेनिकल सिस्टम में हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं. एक तो हम लोग देखते हैं एंगुलर कुछ मोशन हो, एक कह सकते हैं ट्रांसलेशनल कुछ मोशन हो, यानी कि पर्टिकुलर एक में लीनियर मोशन है और एक में हम लोग मान के चलेंगे कुछ एंगुलर मोशन है, यानी कि एक में फोर्स होगा, एक में फोर्स होगा और एक में ये टॉर्क होगा. तो हमने देखे यहां पर ये लिया है बच्चों कि अगर हम लोग यहां पर कहें कि ये मास है m, इस तरफ हम लोगों ने यहां पर एक फोर्स लगा दिया ft और यहां ये डिस्प्लेसमेंट मैंने दिखाया है xt, ठीक है जी, और यहां हम लोग fm लिख लेते हैं चलिए. और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको यहां से ये इस तरफ हम लोग पुल यानी कि खींच रहे हैं, इस तरफ हम लोग खींच रहे हैं. तो देखिए इस मास के लिए जब भी हम फर्स्ट फोर्स जब भी हम लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, एफ एम टी बराबर, देखिए अब m इंटू क्या होता है, a होता है, फिर अगर a एक्सेलरेशन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम वेलोसिटी के टर्म्स में देखते तो हम क्या लिखते हैं, x अपॉन t लिख सकते थे हम ना, हम लोग अगर वेलोसिटी लिखते, या ये देखिए जरा, हम लोग ए एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते थे, डी वी बाई डी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ऐसे ही बच्चों अगर हम अब वेलोसिटी को देखें डी टी, तो हमें वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते थे, डी एक्स टी अपॉन डी टी. तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स टी, यानी कि किसी भी मास पर जो फोर्स आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है एक्स टी, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में फोर्स आएगा भैया ये, डिस्प्लेसमेंट के कोई बात नहीं, ये लोग बलर हो रहा तो अभी इलाज हो जाएगा, ये लो ठीक है, अब सही हो गया ना, अब सही दिख रहा है बच्चों, अरे सही दिख रहा है अभी,
चलो यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने लिख दिया कि फोर्स है किसके कारण, मास के कारण। दूसरे में देखिए, हम दूसरे हम लोग लिख रहे हैं ये डैम्पिंग फोर्स, दूसरा लिखते हैं हम लोग डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स हम लोगों ने देखिए क्या लिया है, अगर हम लोग यहां पर ले, ये कुछ एक पिस्टन वाला मैकेनिज्म हमने दिखाया है, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये लिया है हम लोगों ने XT, और जो डैम्पिंग है यहां पर वो दिखाया हमने B से। तो जो डैम्पिंग फोर्स है हम लोगों ने FD से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो यहां डैम्पिंग फोर्स जो आएगा, डैम्पिंग कोफिशिएंट बी क्या आता है, वेलोसिटी VT। तो FD बराबर बी, VT कितना हो जाएगा, DXT अपॉन DT, FD बराबर बी DXT अपॉन DT। चलिए थर्ड देखिए, अगर हम लोग ये कह दें, थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए देखते हैं, अगर ये कह दें कि यार ये किसी स्प्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हाउ मच, के, तो हमने कहा है एफ के बराबर, तो एफ के बराबर मिल जाता है के डिस्प्लेसमेंट हाउ मच, XT, डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, एफ के बराबर KXT। तो ये हमारा हो जाता है किसमें, लीनियर मोशन के लिए, ये हमारा किसमें है भैया, लीनियर मोशन के लिए था ये। अगर हम लोग बात करें अब नंबर यहां देखें, हम लोग एंगुलर मोशन के लिए, एंगुलर मोशन के लिए, तो देखिए ये इक्वेशन किससे हो जाएगी, जहां मास होता है ये चीज किससे बदल जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ये FM किससे बदल जाएगा, टॉर्क से। तो फर्स्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से टॉर्क आएगा उसे हम क्या लिखेंगे, जे, यहां आ जाइए, जे डी स्क्वायर अपॉन DT स्क्वायर, और XT की जगह मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है थीटा टी, खत्म। तो थीटा टी हमारे लिए क्या है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नंबर दो पर आ जाइए, ये एज इट इज जैसे लिखेंगे, बस किसके कारण लिखेंगे, TD बराबर हम क्या रखेंगे, जहां बी, बी हमारा क्या हो गया, डैम्पिंग कॉफिशेंट मैकेनिक, ये एंगुलर डैम्पिंग कॉफिशेंट, डी अपॉन डी टी, यहां लिखेंगे हम थीटा टी। नंबर थर्ड पे देखिए, टी के स्प्रिंग के कारण कितना टॉर्क हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, के थीटा टी, ये तीनों फोर्स हम लोग इस वे में ढाल देंगे इनको। अरे यहां एफ के से के काटो मत यार, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के कारण ये क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा एफ के डिनोट करने के लिए फोर्स लिखा है। तो वो बेसिक चीज है, कृपया कर उस चीज को आप एडवांस में ना ले जाए भाई दिमाग में, इसमें समझ में नहीं आने की कोई बात ही नहीं, ये तो सिर्फ आपको सिखाया है, एक फिजिक्स का छोटा सा सेक्शन बताया है कि मास को जब भी आप क्या है कि कोई फोर्स से आप खींच रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बच्चों आप इस वे में लिखेंगे, नंबर वन। दूसरा, डैम्पिंग फोर्स अगर होगा तो बी बराबर DXT/DT लिखेंगे। तीसरा, स्प्रिंग के कारण ये, और ये तीनों फोर्स यहां एग्जिस्ट करेंगे। फिर एंगुलर मोशन में जो एम होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एम मास है तो एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, जिसे हम जे से डिनोट कर रहे हैं। तो तीन तरह के टॉर्क आएंगे, यहां तीन तरह के क्या है, फोर्स है, यहां तीन तरह के क्या है, टॉर्क है, ठीक है। अब आपको देखिए किसने पढ़ाया गया, ये आपको पढ़ाया गया है कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे ये रफ करना है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ के साथ में, मुझे ये रफ करना है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा यार अभी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ठीक है जी, सबसे बेसिक जो दिया है आपको, यहां पर ये मास दे दिया आपको, ये यहां पर डैम्पिंग दर्शाया गया है भी, यहां पर आपको दे दिया है स्प्रिंग से बंधा हुआ है, यहां पर कुछ फोर्स अप्लाई किया है एफ,
ये कुछ इस हिसाब से बंधा हुआ है जी, और यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाया है एक्स टी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, एक डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना फोर्स आपको ये ध्यान देना है कि जितना फोर्स ये डाउनवर्ड में अप्लाई करेगा, जितना फोर्स इसमें हम डाउनवर्ड में अप्लाई करेंगे, तो इस डाउनवर्ड फोर्स को अपोज कराने के लिए या इसके मोशन को अपोज कराने के लिए इस मास पर तीन तरह के फोर्स अप्लाई होंगे, इस मास पर तीन तरह के फोर्स अप्लाई होंगे। यही मैंने अभी समझाया कि किसी भी मास पर, किसी भी द्रव्यमान पर जब कोई भी लीनियर मोशन होता है, और लीनियर मोशन का मतलब सिर्फ ये ही नहीं है कि इस वे में, लीनियर मोशन का मतलब ऊपर से नीचे भी आप खींच रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि जब भी कोई लीनियर मोशन होगा तो उस समय इस मोमेंट या मोशन का अपोज करेंगे तीन तरह के फोर्स। तो देखिए इसमें मोशन किस तरफ दिखाया है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया इस मास पर ये, अगर हम ये लिखें कि टोटल फोर्स ये है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये टोटल फोर्स है, तो इसको तीन तरह के फोर्स अपोज करेंगे। कौन कौन से, एक हमने पढ़ा है एफएम यानी कि द्रव्यमान के कारण, एक हमने पढ़ा है डैम्पिंग यानी कि एफडी के कारण, और एक हमने स्प्रिंग के कारण एफके के कारण। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को कि तीन तरह के फोर्स अपोज में कार्य करेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें यहां जो डिस्प्लेसमेंट है, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट कितना है xt, तो आप क्या लिखेंगे, अगर मैं फटाफट से लिखूं fm बराबर, आपको क्या सिखाया गया, आप कहेंगे कि देखिए सर m डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर xt हो जाएगा। fd अभी सिखाया है आपको, डैम्पिंग कितना है बी, तो बी डी अपॉन डी टी एक्स टी हो जाएगा। फिर ऐसे ही एफ के बराबर के एक्स टी हो जाएगा। और मैंने कहा है कि तीनों फोर्सेस से इसके मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, तो भैया एफ टी यानी कि एफ टी मीन्स यहां पर टोटल फोर्स बराबर एफ एम प्लस एफ डी प्लस एफ के, यानी कि जो टोटल फोर्स होगा एफ टी बराबर एम डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी अपॉन डी टी एक्स टी प्लस के एक्स टी, ये मतलब होता है स्टूडेंट। इसलिए हम लोगों ने ये पढ़ा है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, कोई भी मोमेंट बॉडी है, इतना टफ नहीं है, जब ऑब्जेक्टिव आएंगे ना आप लोग एंजॉय करेंगे इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टफ नहीं है यार। अगर हम लोग देखो यहीं पर समझे, हमने ये ले लिया यार ये कुछ घूमने वाला है, यानी कि हम लोगों ने ये कहा है ये कुछ भी एंगुलर मोशन करने वाली कोई भी पुली यहां पर रखी हुई है, और इसमें एंगुलर मोशन जो दिखाया है इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है थीटा टी, और इसमें जो दिखाया रिजल्टेंट जो टी टी लिख दिया है, इसमें टोटल टॉर्क ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे है, तो अगर इसमें मोशन इस तरफ है तो इसमें तीन तरह के फोर्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, या तीन तरह के टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। वो कौन सा, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक डैम्पिंग के कारण, और एक स्प्रिंग यानी कि स्टिफनेस के कारण, ठीक है। तो ऐसे ही आप टी टी टोटल टॉर्क बराबर आप यहां लिख सकते थे जे डी स्क्वायर थीटा टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा टी अपॉन डी टी प्लस के थीटा टी, आप यहां भी लिख सकते थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जी, हमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, आप घर से इसको एक बार बना के एक ट्राई करेंगे। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए जी आपको दिया गया है कुछ ये इस तरह का मैकेनिज्म, और मैं सिर्फ बच्चों इक्वेशन लिखवा रहा हूं,
यहाँ पर एक और मास ले लिया हम लोगों ने, चलिए ये M1 है, ये M2 है, यहाँ पर आपको दिया है K2, ये बच्चों K1 है, ये B1 है, ये B2 है, और ये यहाँ से बंधा हुआ है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, ये X2 दर्शाया गया है और ये डिस्प्लेसमेंट X1 दिया है। यहाँ पर टोटल फोर्स दिया है भैया Ft। देखिए यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम, इसके लिए देखिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, अकेले B2 को देखिए, अकेले M2 को देखिए। तो जब हम लोग M2 को बना रहे हैं यार, यहाँ पर इसको बस ध्यान से समझ ले, M2 को जब आप यहाँ पर बना रहे हैं तो यहाँ देखा हमने टोटल फोर्स क्या है, मोशन किस तरफ था, नीचे था। ऊपर कितने तरह के फोर्स लगेंगे, आप एकदम से क्या कहेंगे कि देखिए सर यहाँ पर तीन तरह के फोर्स अपर डायरेक्शन में लगे हैं, और तीन तरह का जो फोर्स है इनका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बच्चों, मैं ध्यान से देखेंगे। एक हमारा है एम डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर देखिए दूसरा, दूसरा क्या है बी टू या एम टू ले लेते हैं, बी टू डी बाई डी टी एक्स टी, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें इसके और इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये एक्स टू था, यहां पर कितना दिया गया है आपको एक्स वन, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर के टू, यहां पर क्या आ जाएगा आपका एक्स टू माइनस, एक्स टू माइनस, चलो ये टी भी हटाना पड़ेगा फिर हम लोगों को, क्या है एक्स टू, एक्स टू आ गया, फिर बी टू आ गया हमारा, ये एक्स टू आ गया और फिर हमारा आ गया के टू एक्स टू माइनस एक्स वन में, ये दो तरह के फोर्स हम लोगों ने लिख दिया यहाँ। अच्छा सॉरी, एक्स टू माइनस एक्स वन भी आएगा, ये दो तरह के फोर्स हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। नीचे क्या था एफ टी और ऊपर तीनों तरह के फोर्स हम लोगों ने दिखा दिया। देखिए इसलिए लिया है कि यहाँ ये इसके और इसके बीच में क्या कॉमन कनेक्ट था, बी टू इसके और इसके बीच में क्या कनेक्ट था यहाँ के टू। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो यहां पर x2 माइनस x1, देखिए जी ये कम आता है पेपर में लेकिन बस देख ले, लास्ट एक मिनट लग रहा है। और इसमें m1 पर आइए, m1 पर अब डाउनवर्ड कौन कौन से फोर्स है, तो आप कहेंगे देखिए एक तो डाउनवर्ड ये फोर्स है, एक डाउनवर्ड ये है, और इसको अपोज करने के लिए तीन तरह के फोर्स काम करेंगे, तीन तरह के फोर्स काम करेंगे। तो यहां जब हम लिख रहे हैं K2 का वैल्यू, तो K2 का वैल्यू तो X2 माइनस X1, और यहां पर हम लिखेंगे B2 D by DT X2 माइनस X1, और इसको अपोज करेंगे तीन तरह के फोर्स। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, M1 D अपॉन DT D स्क्वायर, यहां पर क्या X1, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे B1 d अपॉन डी टी एक्स वन, और बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे k1 x1, खत्म। तो ये आप इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ये आप कोई भी किसी भी मैकेनिज्म के लिए आप ये इक्वेशन को लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास ऑलरेडी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास ऑलरेडी चल रही है, सुबह 11 बजे से लेकर, नहीं सॉरी, सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक या 11 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चलती है सेपरेटली। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैं ऑब्जेक्टिव लूंगा, आप चिंता ना करें, ऑब्जेक्टिव तो इतना जितना मैंने डिटेल में बता दिया ना, ऑब्जेक्टिव उतना आता भी नहीं कंट्रोल सिस्टम में, नहीं मास में नहीं होगा, मास में एक्स टू नहीं होगा। देखिए मैंने दिखाया भी है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहां है, मास सिर्फ मास इफेक्टेड इस डिस्प्लेसमेंट से, इससे नहीं है, लेकिन ये और इसके बीच में ये दोनों चीज है, तो मास में नहीं करेंगे बच्चों, ये याद रखना, क्लियर, अभी मास में नहीं करेंगे। चलिए इसको रफ करते हैं बाबू और नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम लोग एनालॉजस सर्किट पर। देखिए जी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पहले फोर्स वोल्टेज एनालॉजी,
तो फोर्स वोल्टेज में, मैकेनिकल में फोर्स है तो इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज है, मैकेनिकल में मास है तो इलेक्ट्रिकल में इंडक्टेंस है। मैकेनिकल में अगर स्टिफनेस, स्टिफनेस यानी कि के जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह रहे हैं, तो इसमें रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस इसका मतलब बच्चों 1/c से है, ठीक है। डैम्पिंग कॉफिशेंट यानी कि अगर इधर डैम्पिंग कॉफिशेंट बी है, इधर डैम्पिंग कॉफिशेंट बी है तो भैया यहां पर रेजिस्टेंस आर है। अगर इधर डिस्प्लेसमेंट है, अगर इधर डिस्प्लेसमेंट है तो भैया यहां पर चार्ज क्यू है। तो फोर्स वोल्टेज में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव एंड सिक्स, ऐसे ही अगर हम लोग चले फोर्स करंट की तरफ, फोर्स करंट एनालॉजी देखिए, तो फोर्स करंट एनालॉजी में देखिए चेंजेस क्या क्या है। यहां पर फोर्स है तो यहां पर भैया ये इलेक्ट्रिकल में करंट हो जाएगा, अगर यहां पर मास है तो यहां पर ये कैपेसिटेंस हो जाएगा, अगर ये स्टिफनेस, अगर हम यहां स्टिफनेस की बात करें यानी कि के जिसको हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा है, तो यहां आ जाएगा रेसिप्रोकल, यहां से एक सवाल आएगा रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि हम बात करेंगे 1/L के लिए, 1/L के लिए। फिर देखिए अगर हम बात करें डैम्पिंग के लिए, तो डैम्पिंग कॉफिशेंट के लिए, डैम्पिंग कॉफिशेंट के लिए आता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका मतलब क्या है 1/R, यानी कि हम लिख सकते हैं बच्चों कंडक्टेंस में, ठीक है। मेरे साथ साथ में चलो यार, इसको रट्टा मत मारो, मेरे साथ साथ में बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा वो। अब देखिए यहां देख रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो जाएगा फ्लक्स लिंकेज, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फ्लक्स लिंकेज। फिर चलते हैं बच्चों यहां पर टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी पर, फिर चलते हैं हम लोग यहां से, मैं गारंटी ले रहा हूं यहां से सवाल आएगा, फिर ले रहे हैं हम लोग टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी, और इधर देखेंगे हम लोग टॉर्क करंट एनालॉजी, टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी एंड टॉर्क करंट एनालॉजी। तो यहां पर टॉर्क के लिए देखिए यहां पर क्या होगा, टॉर्क हम क्या रखेंगे वोल्टेज, फिर देखिए हम लोग क्या रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हमने जे कहा था, ये क्या हो जाएगा हमारा इंडक्टेंस, सब चीजें सेम आएगी। फिर थर्ड हम लोग क्या कहेंगे एंगुलर स्टिफनेस, चलिए जी यहां क्या बन जाएगा आपका 1/c बन जाएगा। फिर फोर पर डैम्पिंग कॉफिशेंट, एंगुलर डैम्पिंग कॉफिशेंट कह देंगे बी है तो इस तरफ हमारा क्या है रेजिस्टेंस। फाइव अब क्या आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है थीटा टी, तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग चार्ज क्यू, इसलिए आराम से लिख रहा हूं ये एक, मैं गारंटी ले रहा हूं यहां से आपको एक सवाल मिलेगा एग्जाम में। मैकेनिकली क्लास होती है 2:30 से लेकर 4:30 तक। यहां देखिए टॉर्क करंट के लिए सेम, बस इधर टर्म चेंज करने, इधर यही है तो नंबर वन पे आ जाइए, हमने क्या लिया है टॉर्क, इस तरफ क्या हो गया करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ले हम लोग कैपेसिटेंस, स्टिफनेस
मैकेनिकल स्टिफनेस क्या के, तो क्या हो गया 1/L। डैम्पिंग कॉफिशेंट बी क्या हो गया 1/R। डिस्प्लेसमेंट थीटा टी क्या हो गया फ्लक्स लिंकेज, क्या हो जाएगा फ्लक्स लिंकेज। चलिए इसे एक बार पढ़ो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, पढ़िए इसको और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भरत गुप्ता जी, मैं बता दूं बार्क के लिए, मुझे याद आ गया, बाद में नहीं अभी बता देता हूं। देखिए अगर आपको बार्क के लिए तैयारी करना है तो जितने भी अभी तक गेट और ईएस में सवाल पूछे गए हैं, एक एक को रटना नहीं है, एक एक को बहुत बारीकी से आप सॉल्व करिए, क्योंकि वहाँ टोटली गेट की चीज़ें आती है। मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बहुत बढ़िया से आपको पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यानी कि पूरे गेट के सिलेबस को बड़ा ही डिटेल्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं कल भी बोलने वाला था चीज़ें, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। तो अभी तक गेट में और ईएस में जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सवाल पूछे गए हैं उसको बहुत डीपली आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा पूछा जाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक से ठीक ठाक सवाल आएंगे आपके। सिग्नल सिस्टम आप बिल्कुल छोड़ के ना जाइए भैया, मैं गारंटी लेता हूँ कि जेड ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म, खासकर जेड ट्रांसफॉर्म से एक न्यूमेरिकल आपका आएगा। मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स से आपका एक सवाल आ जाएगा, तो आपको क्या है कि नंबर को वहाँ पर इकट्ठा करना होगा। तो गेट के सिलेबस को बहुत डिटेल्ड में पढ़ के आप लोगों को जाना पड़ेगा भाई, यदि आप बार को टारगेट कर रहे हैं तो। नहीं लेकिन जेई लेवल पर भी बार्क में, मैंने वही कहा ना कि जेई लेवल पर भी बार्क में बहुत अच्छा लेवल का पूछा जाता है। चलिए जी आगे चलते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। देखिए बच्चों आपको यहाँ पर कोई भी एक मैकेनिकल सर्किट दी जाए अगर, और आपसे ड्रॉ करवाए कि आप उस सर्किट से इलेक्ट्रिकल में, सर बीई का लेक्चर 29 शो नहीं कर रहा है, तो मैंने लिया ही नहीं 29 जब शो नहीं कर रहा है, छोड़ो उस चीज को। देखिए जी यहाँ पर आ जाइए, जो लिया ही नहीं उसको छोड़ो भाई, मैंने यहाँ पर एक मास दिखा दिया है M3, जहाँ पर एक द्रव्यमान कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने M3, यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स लगा दिया है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया है, यहाँ पर डैम्पिंग दिखा दिया हम लोगों ने B3, यहाँ पर M2 है, ठीक है जी, यहाँ पर ये दिया है डिस्प्लेसमेंट हाउ मच X2, यहाँ K2, यहाँ B2, और फिर से आया भैया M1, फिर आया K1, और फिर दिया डैम्पिंग यहाँ B1, और डिस्प्लेसमेंट दिखाया X1। इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट रो करना है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, ठीक है जी, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का यूज करके इलेक्ट्रिकल ड्रॉ करना है। तो देखिए यार हमने क्या करना है, सिर्फ आपको यहां शॉर्ट नोट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं, फोर्स को फटाफट से बना दीजिए, हमने बना दिया जी वोल्टेज में, फोर्स को बनाया वोल्टेज में। इसके बाद देखिए मास किसमें कनेक्ट करें, मास का मतलब किससे, इंडक्टेंस बना दिया, ठीक है, और यहां पर जो ये लूप हमने दिखाया है चार्ज कितना दिखाया है Q1 B3 पहली और दूसरे में कॉमन है, तो B3 का मतलब
हम क्या बनाएंगे, रेजिस्टेंस R3 बना दिया, फिर हमारा क्या है, इसको लिखते भी रहेंगे L3, M2 हमने यहाँ पर बनाया, कितना है, हमने L2 ले लिया। फिर देखिए जी, अब क्या चीज़ कॉमन आएगा, एक आएगा रेजिस्टेंस क्या, R2, इसके हिसाब से, और K2 से क्या बनाएंगे, 1/C2। चार्ज कितना आएगा, अब डिस्प्लेसमेंट दिखा दो, Q2 है। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ पर क्या दिया है, इंडक्टेंस L1, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, X3 लिखेंगे यहाँ, तो कितना आएगा, Q3। इसके बाद में क्या है, ये R1 है, और भैया इसके हिसाब से B1 के हिसाब से क्या है, R1 आ गया, और K1 के हिसाब से 1/C1 आ गया। तो कोई भी एनालॉजी का यूज करके, देखिए इसलिए पढ़ाया गया है ये एनालॉजी, कोई भी एनालॉजी यूज करके आप आसानी से सवाल का जवाब दे पाएंगे। सर हमने डिप्लोमा में कभी नहीं पढ़ा, लेकिन डिप्लोमा में नहीं पढ़ते फिर भी DFCCIL जैसे पेपर में भी आ रहा है, SSC में भी आ रहा है, तो नहीं पढ़ते, यही तो चीज है यार जो बाकी लोगों से आपको अलग बना रही है। भाई जो कोई पढ़ के नहीं जा रहा उसको पढ़ाई, उसको पढ़ के जाइए ना, उसको छोड़ के मत जाओ, ये गलती मत दोहराओ ना भाई। जो सभी लोग छोड़ के जा रहे हैं उसको आप पढ़ के जाइए, अपने आप उनसे आगे खड़े होंगे। चलिए जी अब आगे चलते हैं, हाँ फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत। देखिए फोर्स है, हमने वोल्टेज बना दिया, एम इंडक्टेंस है, हमने वो मास है तो हमने ये लगा दिया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट है तो हमने Q1 दिखा दिया, ये देखिए इसमें और इसमें कॉमन है तो कॉमन दिखाएंगे ना, इसमें और इसमें क्या है, B3 का मतलब क्या, रेजिस्टेंस यानी कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट है तो R3। फिर देखिए ये मास है तो L2 बना दिया। फिर ये दोनों इसमें और इसमें कॉमन दिखाना है, यानी कि इसमें और इसमें कॉमन का मतलब है बीच में कनेक्ट होंगे, K2 से 1/C2 और B2 से हमारा R2, फिर हमारा M1 है तो L1, फिर आगे सेम है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं भाई। अब आ जाइए जी ट्रांसफर फंक्शन पर, ये दिया है GS, ये दिया है यहां पर HS माइनस प्लस, ये हो गया RS और भैया ये हो गया CS। तो देखिए बच्चों यहां पर करना क्या है, अच्छी बात है, बधाई हो आपको, SSC JEE आ रहा है, बधाई हो आपको। देखिए ये कहलाता है ओपन लूप के लिए, ये कहलाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यानी कि गेन, वो भी छोड़ो आपको, ये क्या है, गेन है, फॉरवर्ड पाथ का गेन है। हम लोग लिख रहे हैं यहां पर ट्रांसफर फंक्शन, या लिखिए आप क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन में देखेंगे CS/RS, बच्चों इस बात को पकड़ना है, GS/1, यहां अगर माइनस होता है नेगेटिव फीडबैक तो प्लस GS HS हो जाता है। अगर ये किसके लिए है, नेगेटिव फीडबैक के लिए, ये होता है बच्चों नेगेटिव फीडबैक के लिए। अगर हम लोग लिखें CS/RS बराबर GS/1 - GS HS, तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक के लिए, ये किसके लिए होता है, पॉजिटिव फीडबैक के लिए। ठीक है, तो ये सबको याद हो गया, ये कहलाता है एरर सिग्नल ES, यहां पर ये मिलता है हम लोगों को BS, तो BS क्या लिखेंगे हम, CS into HS बराबर BS। चलो वो तो डिटेल में पढ़ने की बात है, अब मैं दो रेशियो आपको और बताता हूं। अगर हम पूछ रहे हैं यहां से ES/RS बराबर स्टूडेंट होगा GS 1/1 + GS HS, और ये बात समझने वाली है किसके लिए है,
ये किसके लिए आएगा? नेगेटिव फीडबैक के लिए, और पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ माइनस आ जाता। अगर हम लोग बी एस अपॉन आर एस रखेंगे, ये क्या है? इनपुट है, ये क्या है? आउटपुट है, ये क्या है? एरर सिग्नल है। ये क्या होता है? एरर सिग्नल। ये क्या है? एरर सिग्नल। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? जी एस एच एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। ये किसके लिए है? नेगेटिव फीडबैक के लिए। अगर हम बात करते पॉजिटिव फीडबैक के, तो यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या रखेंगे हम लोग? नेगेटिव। ठीक है, ये आप लोगों को देखिए समझ में आया होगा। अब हमारा मेन उद्देश्य ये था नहीं, मेन उद्देश्य क्या है हमारा कि गिवन ब्लॉक डायग्राम से, गिवन ब्लॉक डायग्राम से इसको जरा ध्यान से समझना है। गुरजीत जी सही कह रहे हैं कि आ तो यूपीपीसीएल भी रहा है लेकिन कौन जानता है। सही बात है, मैं भी कब से सुन रहा हूं कि आएगा आएगा, मुझे भी आज तक नहीं पता चला कब आएगा। अब हम लोग यहां पर सीखते हैं ट्रांसफर फंक्शन, देखते हैं। रमनीक राजा जी, यार तुमने तो दिल जीत लिया, बहुत अच्छी बात कही तुमने। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं। एक होता है ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। देखिए मैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट से सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए पहला फर्स्ट क्या है, अगर यहां पर भी आपको G1 दिया जाए और यहां पर भी आपको ये G2 दिया जाए, ये जैसे इनपुट है, ये आपको पता है आउटपुट है, तो हम अलग अलग की बजाय हम सीधे क्या लिखेंगे कि ये है G1 इंटू G2। इसको कहते हैं हम कैस्केड कनेक्शन। दूसरा ये देखें बच्चों, अगर ये आपको दिया गया है G1, ये आपको दिया गया है G2 और यहाँ ये दिया गया है आपको G3। यहाँ समर हम लोगों ने यूज़ किया है, समर मतलब जोड़ने वाला, प्लस प्लस प्लस, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया ये है जी बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यार इतना तो बढ़िया लिखा हुआ, यार सब चीज़ें तो दिख रहा है क्लियर, HD मोड में देख लो करके, मैंने भी चला रखा है लैपटॉप में, मुझे सब दिख रहा है साफ। इसको रफ कर लेते हैं, अब देखिए थर्ड नंबर पर देखिए, अगर ये GS दिया जाता है और ये टेक ऑफ पॉइंट आपको ये दिया गया है, ठीक है, अगर इसको हम लास्ट से पहले हम ट्रांसफर करें, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कुछ इस कहानी की, तो यहाँ इसको बाद से अगर पहले में करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ GS ऐड कर देंगे। तो ये कई बार क्या है कि छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं ये। अगर बच्चों यहाँ पर हम लोगों को ये टेक ऑफ पॉइंट पहले दिया गया है, ये GS हम लोगों को क्या है कि टेक ऑफ पॉइंट हमें पहले दिया गया है, हमें बाद में ट्रांसफ़र करना है, तो बाद में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे कि भैया इसमें आप कनेक्ट करेंगे 1/GS, क्या कनेक्ट करेंगे 1/GS, तो बाद से टैपिंग पॉइंट पहले लाने पे GS और पहले से बाद में लेना ले जाने में 1/GS। अभी देखिए 5 नंबर पर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है GS और यहाँ पर ये कोई एक समर दिया हुआ है, यहाँ पर ये कोई समर दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ से इसको पहले लाएंगे, यानी कि मेरा मतलब है इससे, यहाँ से अगर हम इसे पहले लाएंगे तो यहाँ हम लोग करेंगे 1/GS। अगर स्टूडेंट ये हम लोगों को यहाँ पर पहले दिया जाता है और यहाँ पर हम लोगों को ये GS दिया गया है, तो हम लोग इसे बाद में भेजने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसे हम भेज दिया हमने बाद में यहाँ, तो हम क्या कनेक्ट करेंगे
जीएस कनेक्ट करेंगे तो देखिए यहां से छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव एक संभव हो जाता है। और ज्यादा ना दिमाग लगाएं, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, बस इसी को आप पढ़ लें। अरे भरत जी यार, कुछ लोगों को बोलने की आदत है, बोलने दो, सब सही चल रहा है यार। आज तो बहुत अच्छी क्लियरिटी आ रही है यार। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए आप लोगों को क्या चीज सिखाना है मुझे, और भगवान ने चाहा तो एक नंबर श्योर है, यहां से एक नंबर का जरूर पूछा जाएगा भाई। चलिए अब मैं देखिए एक छोटा सा सवाल से शुरुआत कर रहा हूं और इसी में आप लोगों को समझाने की कोशिश भी करूंगा यार, समझने की बस कोशिश करें। बिल्कुल आए थे यार एसएससी में कंट्रोल से, मैं तो कह ही रहा हूं आते ही हैं सवाल यहां से ना, समर दिया हुआ है, समर दे दिया है, ये जीवन दिया है, यहां पर ये H1 दिया है, पॉजिटिव निगेटिव दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव आर एस एंड दिस इज सी एस। ठीक है बच्चों, यहां से चलना है हम लोगों को और हमें ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। ठीक है, हम लोगों को ट्रांसफर फंक्शन लिखना है और आएगा तो भैया इसी तरह का सवाल आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत यहां से हो जाती है इंपॉर्टेंट की। देखिए आपको एक छोटा सा नियम सिखाता हूं और यहां से रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझने का प्रयास कर ले। देखिए होता क्या है, एक मैसन गेन फॉर्मूला होता है, तो मैसन गेन फॉर्मूले का मतलब है फॉरवर्ड पाथ का गेन, गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ अपॉन में 1 माइनस गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप प्लस गेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, फिर माइनस। तो चलो मैसन गेन फॉर्मूले से हमें लिखना ही नहीं, हमें डायरेक्ट शॉर्टकट से लिखना है। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस बराबर, सी एस अपॉन आर एस बराबर, पहले लिखिए गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ का मतलब है फॉरवर्ड पाथ हमेशा वो रास्ता होगा जो इनपुट से आउटपुट तक जाएगा। तो देखिए यहां से चलना शुरू किया इस दिशा में, हमें पता चला कि G1 G2 हम लोगों को मिला अपॉन में, गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ लिख दिया अपॉन में। अब देखिए आपको क्या करना है, गेन ऑफ वन, फिर लिखना है गेन ऑफ इंडिविजुअली लूप, इंडिविजुअल लूप का गेन क्या है। तो देखिए जी G1 H1 इस लूप, ये क्या बनी, देखिए एक लूप ये बनी, मार्क कर रहा हूं मैं। फिर लूप का मतलब है देखिए यहां से चला और यहीं पर एंड हो गया, फिर यहां से चला यहीं पर एंड हो गया, एक लूप ये बन गई लूप नंबर टू। फिर एक लूप देखिए ये बड़ी वाली भी एक लूप बन रही है बच्चों, ये लूप नंबर क्या बनी, तीन बनी। तो गेन ऑफ इंडिविजुअली लूप G1 है H1 है और निगेटिव फीडबैक है, तो क्या हो जाएगा प्लस G1 H1। फिर देखिए जी सॉरी यहां प्लस है यहां माइनस,
फिर देखिए इसका लूप लिखा हमने G2, इस लूप का गेन H2, फिर बड़े वाली लूप का गेन, यहाँ भी नेगेटिव फीडबैक है तो बड़े वाली लूप का G1, G2 और वापस में क्या H3, तो G1, G2, H3 अभी खत्म नहीं हुआ है। अब लिखना है आप लोगों को, अब लिखना होता है कि दोनों लूप के गेन का प्रोडक्ट। तो पहली लूप का गेन कितना G1 H1, दूसरी लूप का गेन कितना आएगा फिर आपका G2 H2, तो उनका प्रोडक्ट लिखना है। तो देखिए ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में, तो किस में हो जाएगा प्लस में, G1 H1 G2 H2, ये आपको तरीका फॉलो करना है। किताब में मत जाओ यार, अरे गुप्ता जी ऐसा नहीं होगा जैसा आप सोच बैठे हैं। ऐसा मत करो यार, अरे तो तीन लिखा दो, अच्छा एक लूप छूट गया, ये लो भाई G1 एक लूप छूट गया, तो G1 G2 H3 ये लो, हो गया इलाज इसका भी नहीं, लेकिन G1 पूरा तो लिख रखा है पहले, ये देखो ना इसे ध्यान से देखो, G1 G2 H3 लूप से नहीं, ध्यान से सुनो ना मेरी बात, मेरे कहने का मतलब आपने सुना नहीं ध्यान से। पहले क्या करना है, गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ कौन सा हुआ ये यहां से यहां तक, और यार किताबों में बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, ये दो दो पेज का सॉल्यूशन है, हमें दो पेज का सॉल्यूशन नहीं करना, डायरेक्ट ये शॉर्टकट बना लिया मेंशन गेन फॉर्मूले का। तो गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ लिखा कितना, G1 G2 ऊपर आ गया, यही आएगा पेपर में आएगा, तो इसी तरह का सवाल बनेगा। 1 गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप, G1 H1 ये लिख लिया, G1 H1, फिर G2 H2 ये लिख लिया, G1 G2 H3 ये ले लिया। अगर फिर लेना है आप लोगों को, ये देखना है कि कुछ ऐसी लूप है क्या जो आपस में टच नहीं करती है, तो ये लूप आपस में टच, देखो ये और ये आपस में टच नहीं कर रही है, तो जब आपस में टच नहीं कर रही है तो इनकी लूप का गेन की गुणा करके लिख दीजिए, यही आपको उत्तर देगा। अभी रिपीट की बात नहीं, अरे फॉर्मूला मैंने समझाया नहीं यार, मैंने तो शॉर्टकट दिखवाया है, फॉर्मूले में तुम्हें क्यों उलझाऊंगा मैं, फॉर्मूला तो किताबों में भी दिया है, तो मेरे लेक्चर में और किताब में कुछ तो अंतर हो, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखवाया, मैं इस तरह के आपको चार पांच सवाल करवा दे रहा हूं बस खत्म। इसको करते हैं रफ और नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जी। G1 रटे रटाए तो मत ही पेलना भाई, है लिखना ही मत, सोच समझ के लिखना है। G2 G3 H1 चलो अब देखो, देखो यार लिखने की कोशिश तो करो, प्रयास करो, बताओ मुझे कितना लिखा आपने, गलत लिखोगे कोई बात नहीं सही कर लेंगे, लेकिन यार कोशिश तो करो, एटलीस्ट कोशिश तो करो। लिखो अपने आप से, लिखने की कोशिश करो और बताओ मुझे, लिखने की कोशिश करिए और बताओ मुझे। पहले देखिए कि फॉरवर्ड पाथ कितने हैं,
पहले यहां पर आप लोगों को देखना है कि फॉरवर्ड पाथ कितने बन रही हैं, फिर देखना है लूप कौन सी बन रही है, उस हिसाब से लिख दो। फिर आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ के टर्म्स में करवाता हूं सवाल। एसबीटी में आया था, देखिए जी, सी एस अपॉन आर एस बराबर, ध्यान दो बच्चों, फॉरवर्ड पाथ का गेन ये और ये। फॉरवर्ड पाथ का मतलब है यहां से इसी दिशा में चलना है, तो जी वन जी टू जी थ्री। लूप मार्क कर ले, गलती होने का चांस नहीं होगा। एक लूप ये है, लूप नंबर वन। फिर देखिए बच्चों, एक लूप ये है, लूप नंबर टू, ठीक है। फिर देखो एक बड़े वाला ये वाला हिस्सा क्या बनाता है, लूप बनाता है, लूप नंबर तीन। फिर देखो यहां लूप नंबर वन में, देखो वन यहां माइनस है तो क्या रखेंगे, प्लस जी वन जी टू और एच वन, जी वन जी टू एच वन। फिर देखो लूप नंबर टू, जी टू जी थ्री और एच टू, यहां माइनस है तो प्लस में जी टू जी थ्री एच टू। फिर थर्ड देखिए, G1, J2, G3 और यहां यूनिटी फीडबैक है यानी कि 1, तो G1, G2, G3। देखिए बच्चों, ऐसा कोई लूप है ही नहीं इसमें जो आपस में टच ना कर रही हो। देखिए ये इस पॉइंट पे ये भी है, नीचे वाली भी है और ऊपर वाली भी है, तो ये आपस में सभी टच कर रही है, तो इसका उत्तर यही लिख के छोड़ देंगे। बाबू ऑब्जेक्टिव वाली बुक का आजकल मैं बना रहा हूं सॉल्यूशन, तो उसमें लगेगा टाइम भाई, अभी 5-7 दिन लग जाएगा अभी सॉल्यूशन होने में ही, लेकिन आरआरबी जेई के लिए बहुत अच्छी बुक आएगी पूरी विद सॉल्यूशन। एक बार देखो जरा इसे, कुछ बच्चों ने तो बहुत बढ़िया यार, आयुष ये तो अपना ही है। देखो जरा, लिखो और देखो एक बार, दिमाग लगाओ यार। समझ में आएगी नहीं, चलो स्क्रीनशॉट लेते रहो इन सवालों के ना, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख रहा हूं, अपने आप जवाब देंगे आप लिखकर। चलिए इस प्रॉब्लम का ट्रांसफर फंक्शन लिखिए डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से, लिखो और बताओ मुझे, किताबी मेथड से नहीं। नॉन टचिंग लूप होता तो इन लूप की गुणा करके लिख देते। जेई का मटेरियल बाबू कल हो गया आउट ऑफ ऑर्डर, थोड़ा सा वेट कर लो। बीएमआरसी का जो वैकेंसी आएगी तब बताऊंगा सिलेबस, पहले तो तुम मुझे उत्तर बताओ, तुम मुझे इधर उधर उलझा देते हो यार।
लिखा तो एक बच्चे ने G1 G2 G3 अपॉन 1+। बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार, एक ही बच्चा एक्टिव है क्या क्लास में? G1 G2 G3 भरत जी डिवाइड कर दिया, वेरी गुड। सर यही मेरा है, शालिनी सक्सेना। अच्छा चलिए, RRB जे में पढ़ के जाना, कंट्रोल पक्का। सिलेबस दिया नहीं दिया, दो सवाल पूछेगा गारंटेड। CS अपॉन RS बराबर G1 G2 G3 G1 G2 G3। लूप देखे बच्चों, एक लूप, दो लूप, कुछ बच्चों ने एकदम बहुत सटीक लिखा है, फिर तीसरा लूप बना ये। तो 1+G3H1, फिर देखिए प्लस इसमें कितना है, G2H2 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस G1 G2 G3 G1 G2 और G3। और नॉन टचिंग लूप देखो कुछ है नहीं है, क्योंकि ये भी इस पे, फिर ये देखो टच हो गए यहां पर, तो नॉन टचिंग कुछ है ही नहीं, इसको छोड़ दो यहीं पर, आपको उत्तर मिल जाएगा। देखो पावर सिस्टम की क्लास जो मैराथन क्लास है वो 4-5 घंटे की ऑलरेडी है, और बाकी जो सिस्टमेटिक चल रही है, देखिए कंट्रोल ही मैंने इसलिए लिया ये कि बहुत लोग मुझे बोले जा रहे थे सर कंट्रोल का शॉर्ट नोट्स बना दिए, कुछ बच्चों का बिहार का एग्ज़ाम है, कुछ का छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, कुछ का एक दो स्टेट का और एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैंने उचित समझा कि जो रेगुलर RRB के टेक्निकल की चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, वो तो आपको मेरे ऊपर भरोसा है, तो इतना एश्योर कर दूं भाई कि मैं पढ़ाना कभी बंद करने वाला नहीं हूँ, और ना ही और लोगों की तरह प्लस माइनस कोर्स वगैरह कभी लेकर आऊँगा। आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाता रहूँगा यूट्यूब पर, उस चीज़ से आप बेफिक्र रहें। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता यार, मैं इंसान हूँ, रोबोट तो होने की, मैं 2 ही दिन में सब चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, इसलिए थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, और भरोसा है तो पक्का आउटपुट आएगा, और जहाँ ट्रस्ट नहीं है, जहाँ भरोसा नहीं है, तो फिर टाइम वेस्ट करने से वहाँ ऐसे जगह कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे यार, क्या अचीव करोगे भाई? भरोसा है तो इतना मैं एश्योर कर रहा हूँ, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको पढ़ाता रहूँगा। चलिए भाई, सिग्नल फ्लो डायग्राम पे पहुंच गए, तो बस एक न्यूमेरिकल यहां से और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो ये दे दिया हम लोगों को 1, ये दे दिया 2, ये दे दिया 3, 2 और 3 के बीच में दिया है G1, फिर दे दिया 4, ये दे दिया है G2, फिर दे दिया 5, ये दिया G3, फिर दे दिया 6, एक्चुअली ये 5 है तो ये 1 है, और 6 से बाहर दे दिया C, और भैया यहाँ से 1 से चलता हुआ रास्ता बना दिया जी, G4, 1 से चलते हुए रास्ता बनाया, और ये 5 से वापस में 3 पर दिखाया है ये 1। ठीक है जी, अब ये इतना एडवांस तो नहीं पूछेगा। संदीप पांडे जी, सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता सर जी, जेई का टेक्निकल कोर्स, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर है कि एक भी दिन मैं छुट्टी नहीं लूंगा, रेगुलर आप लोगों को यार पढ़ाता रहूंगा। देखिए जी, इस सवाल को मैंने इसलिए लिया है, थोड़ा सा बाकी से यार डिफरेंट है, C अपॉन R लिख लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले देखना है, बस ये एक स्पेशल केस है और ये आने का चांस भी बहुत ना के बराबर है, लेकिन करा देता हूँ मैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगा भाई। सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ देखिए, कहेंगे G1 G2 G3,
G1, G2, G3, एक फॉरवर्ड पाथ तो ये बना। एक और फॉरवर्ड पाथ है बच्चों, वो कौन सा है आपका? G4। फिर आपने रखा है यहाँ G4, ठीक है। पहले आपको ये बताना है कि क्या पहले वाला फर्स्ट वाला फॉरवर्ड पाथ पर कोई ऐसी लूप है जो टच नहीं करती? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा नहीं है। पहले वाली लूप पर, अच्छा ये छूट गया था ये ना, 4 से लेकर कितनी पर दिया है? ये 2 पर, 4 से 2 पर दिया है, -1। 4 से जो 2 पर है कितना है? -1 दिया है। चलिए जी, क्या कह रहे हैं बच्चे? सर TG2 की क्लास नहीं चल रही है, प्लीज़ हमारी क्लास चलाओ। ठीक है यार, तुम्हारे भी क्लास चलाएंगे बाबू। अब देखो बच्चों, एक फॉरवर्ड पाथ आपने क्या लिया है? G4। तो बच्चे यहाँ छोड़ के आ जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझ लें। पहले वाला एक पाथ ऐसा है जिस पर सब लूप टच हुई है, लेकिन दूसरे वाला ऐसा एक पाथ है जिस पर 2 लूप टच नहीं हुई है। कौन कौन सी? एक ये और एक ये। तो जब इस पे G4 पे ये टच नहीं होंगी ना, कोई भी फॉरवर्ड पाथ ऐसा, ये तब होता है मोर देन, ये तब संभव होगा जब मोर देन 1 फॉरवर्ड पाथ, जब मोर देन 1 फॉरवर्ड पाथ, एक से ज्यादा फॉरवर्ड पाथ हो। तो G1, G2, G3 तो है, और दूसरा क्या? G4। तो G4 एक ऐसा फॉरवर्ड पाथ है जिस पे 2 लूप टच नहीं हुई है। तो अब आपको ये करना है कि इस लूप का गेन और जो 2 लूप टच नहीं हुए, इनके गेन की गुणा करके लिखनी है। तो G4 इसका गेन कितना? G2, G3। तो G2, G3, G4, और इसका गेन कितना है? G1, G2 माइनस G1, G2, G4 अपॉन में ये फॉरवर्ड, ये ऊपर लिखना है आप लोगों को। तो ये स्पेशल केस था, इसलिए मैंने सोचा चलो यार करा देते हैं, क्या पता पेपर में आ जाए, लेकिन चांस कम है। 1, अब देखिए इस लूप का गेन G1 G2 प्लस क्या लिखेंगे? G1 G2, और इस लूप का गेन कितना आएगा? माइनस, क्योंकि ये क्या है? प्लस में G2 G3। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन ये है। और मैंने जो बताया आप लोगों को, देखिए इस बच्चे ने, दिनेश ने ये गलत लिख दिया, इस बच्चे ने ये गलत लिख दिया। ऊपर जो बच्चे ने लिखा है वो सही लिखा है विकास ने। स्क्रीनशॉट के लिए मैं टाइम दे तो रहा हूँ यार, स्क्रीनशॉट के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ ना। तो ये आपका करेक्ट होगा। देखो एक बार फिर से देख लो, फॉरवर्ड पाथ लिख लो, फिर ये देखो कि ये वाला तो भाई मेन फॉरवर्ड पाथ है, तो इस पे तो सारी लूप टच होगी, लेकिन ये ऐसा है जिस पे ये और ये लूप टच नहीं हो रहे, तो इसका और इनके गेन की गुणा करके लिख दो ऊपर। ये मैसन गेन फॉर्मूला ही है, कुछ और नहीं है। चलो तो भैया चैप्टर नंबर 1 यहां पर कंप्लीट है। तो मैंने बहुत ही सिंपल से वे में चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को करा दिया है भाई। जल्दी से अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर। जल्दी से हम लोग चलते हैं अब चैप्टर नंबर 2 एरर एनालिसिस पर। चैप्टर 2 एरर एनालिसिस, चैप्टर 2 एरर। देखिए स्टूडेंट, एरर एनालिसिस के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS बराबर, अगर आप लोगों को याद है तो आपको क्या ध्यान देना है, जैसे मैंने ये लिख लिया 1 प्लस ST1 1 प्लस ST2 अपॉन S की पावर n, ठीक है, और यहां 1 प्लस ST b और यहां 1 प्लस ST a, कुछ भी ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन ये दिया है। अगर स्टूडेंट n का जो वैल्यू है यार, अगर 0 होता है तो इसको कहते हैं हम लोग टाइप 0 सिस्टम,
क्या कहेंगे? टाइप जीरो सिस्टम। अगर यहां पर वन होता है तो क्या कहेंगे? टाइप वन सिस्टम। यहां पर अगर टू होता है तो क्या कहेंगे? टाइप टू सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम एरर के लिए फॉर्मूला देख ले तो ES अपॉन RS बराबर 1 अपॉन 1 प्लस GS HS। तो यहां से ES बराबर बच्चों क्या मिलेगा? RS अपॉन 1 प्लस GS HS। अब जो एरर आप कैलकुलेट करते हैं, जब आप एरर कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं आप स्टडी स्टेट कंडीशन में। तो यहां देखिए स्टडी स्टेट एरर की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ES। ये होता है हमारा स्टडी स्टेट एरर। ESS को हम लोग कहेंगे स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर। तो एस ES हमारा क्या है, यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्टडी स्टेट एरर। तो यहां पर बच्चों तीन तरह के कॉफिशेंट की बात करूं, एक कहलाता है हमारा पोजीशन कॉफिशेंट, एक कहलाता है हमारा पोजीशन कॉफिशेंट। और पोजीशन कॉफिशेंट की अगर हम बात करें तो डिनोट करेंगे केपी से, और ये तब अप्लाई होगा ये पोजीशन कॉफिशेंट जब इनपुट क्या हो, यूनिट स्टेप इनपुट पर। किस पर होगा? यूनिट स्टेप इनपुट पर। तो केपी बराबर आता है बच्चों लिमिट एस टेंड टू जीरो जी एस एच एस, और इस केस में स्टडी स्टेट एरर वन अपॉन वन प्लस केपी। ठीक है, स्टडी स्टेट एरर क्या? वन अपॉन वन प्लस केपी। फिर देखिए एक होता है हमारा वेलोसिटी कॉफिशेंट, एक आता है वेलोसिटी कॉफिशेंट। वेलोसिटी कॉफिशेंट डिनोट करेंगे केवी से, और केवी बराबर हम लोग लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू जीरो एस जी एस एच एस, और स्टूडेंट स्टडी स्टेट एरर आएगी वन अपॉन केवी। एक होता है हमारा एक्सेलरेशन, और ये तब होगा जब इनपुट किस तरह का होगा, रैंप इनपुट होगा, यूनिट रैंप फंक्शन होगा। एक होता है हमारा एक्सेलरेशन कॉफिशेंट, यहां से भी एक सवाल बन जाता है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, हद से ज्यादा सिंपल। ये क्या है? एक्सेलरेशन मीन्स के, ये तब होता है यहां पर जब हम लोग एक पैराबोलिक फंक्शन को इनपुट लेते हैं। इनपुट किस तरह का है? पैराबोलिक। तो यहां पर हम लिखेंगे के ए बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जे एस एच एस एंड स्टडी स्टेट एरर वन अपॉन के ए। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कॉफिशेंट के ए। कंट्रोल पुरानी बाबू, ये आज ही होगा, दो तीन दिन में नहीं, आज ही करूंगा इसको मैं। बच्चे भागने लग जाएंगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, और क्या। उतार ले सबने, अरे सबने उतार लीजिए। अब देखो जरा यहां आ जाइए, हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको बहुत जल्दी से खत्म करना है, हम लोगों को जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, यदि एस की वैल्यू जीरो होगी टाइप जीरो, तो फटाफट से देखते हैं टाइप जीरो के लिए। तो टाइप जीरो के लिए पहले केपी ढूंढते हैं, केपी बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस एच एस का वैल्यू वो छाप दो फटाफट, तो वन प्लस एस टी वन वन प्लस एस टी टू अपॉन वन प्लस एस टी बी और वन प्लस यहाँ क्या भैया के, के क्या है यहाँ पर, एक कॉन्स्टेंट ले लो एस टी ए, ये है।
GSHS ना, तो भाई S की जगह क्या पुट करो, जीरो, यहां भी क्या जीरो, ये भी क्या जीरो, ये भी क्या जीरो, तो क्या मिल जाएगा आपको K। तो इसीलिए ESS बराबर आप लिखेंगे 1/1 + K। क्यों, आपको ये सिखा दिया गया है। फिर आ जाओ अब वेलोसिटी, मैं टाइप जीरो की बात कर रहा हूं, अब आ जाओ फटाफट KV बराबर आपने क्या पढ़ा है, एस टेंस टू जीरो, तो आप क्या लिखेंगे यहां, एस जी एस एच एस। तो जब आप जी एस एच एस का वैल्यू यहां रखेंगे तो एस का वैल्यू कितना पुट करेंगे, जीरो, तो ये क्या मिलेगा, जीरो। इसीलिए स्टेडी स्टेट एरर कितना आएगा, 1/0 का मतलब है इन्फिनिटी। अभी देखो के वी हो गया, के ए पर आ जाओ, के ए बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, क्या पढ़ाया, एस स्क्वायर जी एस एच एस। तो जी एस एच एस में तो नीचे एस आना ही नहीं, क्योंकि एन की जगह टाइप जीरो पे क्या रखना है, जीरो, तो यहां भी कितना मिलेगा, जीरो। इसीलिए ई एस एस बराबर 1/0 का मतलब है इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा टाइप जीरो के लिए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, बहुत छोटी छोटी चीजें, समझो चैप्टर खत्म हो गया ये। अब चलिए यहां आ जाते हैं हम लोग, इधर दिख रहा है कि नहीं ये देख लो जरा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आती है पेपर में, इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है जेई के लिए। तो यहां देख लेते हैं हम लोग टाइप वन के लिए। टाइप वन में देखो, केपी बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहां देखो के 1+S T1 1+S T2 / यहां क्या मिलेगा आपको, S मिल जाएगा बच्चों, 1+S TB 1+S TA। तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, तो KP का वैल्यू आपको मिलेगा भैया जीरो, और ESS बराबर 1/1 + 0, सॉरी यहां जीरो रखेंगे तो इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इसका वैल्यू आएगा जीरो, क्योंकि किसी में भी इन्फिनिटी जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी से भाग देंगे तो जीरो मिल जाएगा। अब देखो यार KV बराबर आएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस, आपको क्या लिखना है, एस जी एस एच एस, जी एस एच एस का वैल्यू 1+S T1 1+S T2 / S 1+S TB 1+S TA। तो S से S कैंसिल हो जाएगा जब आप जीरो रखेंगे, तो यहां K आएगा, स्टेडी स्टेट बराबर 1/K मिल जाएगा। ऐसे ही KA बराबर लिमिट S टेंस टू जीरो S स्क्वायर GSHS, तो GSHS में नीचे क्या मिलेगा, S, S से एक पावर कट जाएगी तो भैया इसकी वैल्यू आएगी जीरो, और स्टेडी स्टेट बराबर 1/0, इसका मतलब आ जाएगा इन्फिनिटी से, इसका मतलब किससे आएगा, इन्फिनिटी। टाइप वन भी खत्म हुआ, अब टाइप टू देखो, भाई कसम खाता हूं ये चीज आपके पेपर में आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की ना, यहां से ये चीजें बनेंगी पेपर में यार, क्योंकि ये जेई की ही चीजें हैं, इसमें कुछ यही वाला कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं यार, ये बहुत आसान चीज है भाई। आ जाइए जी, टाइप जीरो पढ़ लिया, टाइप वन पढ़ लिया, टाइप टू पर आ जाओ। टाइप टू में देखो, के पी बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो जी एस एच एस 1+S T1 1+S T2 / 1+S TB 1+S TA। तो क्या रखना है, एस टेंस टू जीरो, आपने क्या है यहां पर क्या आएगा, एस स्क्वायर, क्योंकि टाइप टू है, तो यहां जीरो रखेंगे कितना मिला आपको, इन्फिनिटी। ई एस एस बराबर 1/∞ का मतलब होता है, ई एस एस बराबर 1/1 + ∞ का मतलब आएगा जी जीरो। के वी देखो, लिमिट एस टेस टू जीरो एस, यहां के 1+S T1 1+S T2 / S² 1+S TB 1+S TA, ये कैंसिल हुआ, तो यहां क्या रखेंगे जीरो, इसका मतलब हुआ इन्फिनिटी, और स्टेडी स्टेट एरर 1/∞ का मतलब जीरो, ये भी खत्म हुआ। के ए बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
चलिए पूरा करके बता देता हूं मैं, वन प्लस एस टी वन, वन प्लस एस टी टू, एस स्क्वायर, वन प्लस एस टी बी, वन प्लस एस टी ए, कैंसिल हुआ। तो एस बराबर जीरो जब आप यहां पुट करेंगे आपको मिलेगा के स्टडी स्टेट एरर वन अपॉन के ए का मतलब वन अपॉन के आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने सब वैल्यू निकाल दिया ना, अब चार्ट बना लो अपने आप ही यार। मैंने सब वैल्यू चार्ट में लिखाने की बजाय मैंने सब चीजें एक्सप्लेन कर दिया। चलो फिर भी एक बार बना देता हूं चार्ट ताकि आप जल्दी से जवाब दे पाए। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलो देखो। अब ये सब चीजों को देखते हुए आपको डायरेक्टली जो स्टडी स्टेट एरर पूछ लेता है वो देख लेते हैं। यहां मैंने लिखा है यूनिट स्टेप इनपुट, यहां लिखा है हम लोगों ने रैंप इनपुट, और यहां लिया है हम लोगों ने ये पैराबोलिक इनपुट। तीन तरह के ले लिया हम लोगों ने। यहां ऊपर लिया ये टाइप जीरो, टाइप वन और ये टाइप टू। तो ये आएगा वन अपॉन वन प्लस के। देखियो इसके भी याद रखने का तरीका है, यहां से डायगनली लीजिए तो ये सारे वन अपॉन के टर्म्स में आएंगे। भाई पहले वाले में तो वन अपॉन वन प्लस के, बाकी वन अपॉन के, ये सब जीरो, और भैया ये सब इससे नीचे वाले इन्फिनिटी। ये भी इसको रट्टा मारने का एक तरीका है। हाँ राउत क्राइटेरिया अभी आगे आने वाला है, इसी में है राउत थ्योरेटिक क्राइटेरिया, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट वाले चैप्टर में आएगा। देखो मैं बता दूं आपको, याद रखने का तरीका ये है यूनिट स्टेप रैंप और पैराबोलिक, ये है टाइप जीरो, ये है टाइप वन, और ये है भैया टाइप टू। तो आपको क्या करना है, डायगनली चलना है ऐसे वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस के, वन अपॉन के, वन अपॉन के, इस तरफ जितने डब्बे बचे हुए सब में इन्फिनिटी भरो, और इस तरफ जितने डब्बे बचे हुए सब में जीरो भर दो। अब आपसे जैसे सवाल पूछ रहा है ये ना, अब आपसे जब भी वो सवाल पूछ रहा है कि स्टडी स्टेट एरर बताओ, स्टडी स्टेट एरर, सपोज आपको कहा गया है कि जब भी पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन के लिए टाइप टू में स्टडी स्टेट एरर लिखो, तो क्या करना, वन अपॉन के, इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं। रैंप है टाइप वन के लिए बताओ वन अपॉन के, रैंप है टाइप जीरो के लिए या टाइप टू के लिए, जीरो और इन्फिनिटी। अब टेबल को देख के डायरेक्ट रट्टा मारो खत्म, और क्या। चलिए यहां से आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस। अब देखिए टाइम डोमेन एनालिसिस में सब चीजें पढ़कर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं पांच छह फॉर्मूले बता रहा हूं, आना होगा तो यहां से आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला जेई में ज्यादा पूछे जाने का चांस है, यही में डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन जिस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है उस एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है फिर, लेकिन जिसमें कैलकुलेटर नहीं उसमें तो सिर्फ फॉर्मूले ही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस।
अरे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बच्चा कमेंट कर रहा है बीए खत्म करा दो, बीए के 50 लेक्चर हो गए, ट्रांजिएंट में मैंने कल खत्म करा दिया, अब इसमें बच रहा है टू पोर्ट नेटवर्क और एक चैप्टर मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा आप लोगों को बैटरी, क्योंकि बैटरी से सवाल पूछता है, तो एक दिन मुझे बैटरी में चाहिए और एक दो दिन चाहिए हम लोगों को टू पोर्ट नेटवर्क में, तो अभी तो कुछ बचा ही नहीं, जनरली वो बीए है नहीं, वो एई के लिए बहुत है, ये एई के लिए बहुत है, अभी देखते रहो ना, एई के लिए आपको बढ़िया बढ़िया चीजें आगे बताऊंगा मैं, एई के लिए बहुत है यार ये, तुम लोग लाइक वाइक तो करते नहीं यार। देखिए यहां सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, लाप्लास ट्रांजेंट वाली क्लास में करा चुका हूं, यहां देखेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस जो मिलेगा ये होता है 1/1 ST, ये होता है भैया लाप्लास, ये होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, देखते रहो अभी चीजें ना इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन इनपुट इज, तो यहां से देखिए बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, सी एस बराबर आर एस अपॉन 1/ST, जो कैपिटल टी है अभी मान के चलिए कि वो टाइम कांस्टेंट है कैपिटल टी, व्हेन इनपुट इज यूनिट स्टेप, जब इनपुट हम लोगों ने क्या लिया है यूनिट स्टेप, इसका मतलब बच्चों क्या हो जाता है आर एस बराबर 1/S हो जाता है, तो इस कंडीशन में बच्चों सी टी मीन्स आउटपुट जो मिलता है, ये आप लोग याद रखिएगा, आउटपुट जो मिलेगा 1 - e^(t/t) मिलेगा, सी टी बराबर 1 - देखिए यहां मैंने ऊपर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स, तो मैंने हेडिंग में और टाइटल में भी डाला है शॉर्ट नोट्स, सी टी बराबर 1 - e^(t/t) अगर इस कंडीशन में, देखिए ईटी का मतलब है एरर, तो एरर हम लोग लिखते हैं देखिए RT - CT, ये होता है एरर भाई, इनपुट माइनस आउटपुट का जो डिफरेंस ये आप लिखते हैं क्या एरर, तो इस केस में आरटी का मतलब जब यूनिट स्टेप की बात करें तो यूनिट स्टेप में भाई यूटी का मतलब किससे होता है, 1 से होता है ना, तो 1 - 1 + e^(t/t) तो ये आ जाता है e^(t/t), ये इंपॉर्टेंट है याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है याद रखें। फिर देखिए बच्चों हमने यहां नेक्स्ट देखा है व्हेन इनपुट इज रैंप फंक्शन, इनपुट इज रैंप फंक्शन, यानी रैंप फंक्शन का मेरा तात्पर्य है आर एस बराबर 1/S² से, मेरा मतलब है इससे, जयंत सुतार जी पहले यार इससे पीछा छुड़ा लो अपना कंट्रोल सिस्टम से, तब बताऊंगा फिजिक्स की क्लास लेने की हिम्मत रहेगी कि नहीं भाई बाद में। तो यहां इस सिचुएशन में सी टी बराबर आएगा t - t + t e^(t/t). स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, कैपिटल टी एक तरह से टाइम कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां आर टी बराबर जो हम लिखेंगे जब हम सॉरी एरर एरर जो लिखेंगे वो क्या है RT - CT, तो आर टी का वैल्यू अगर हम रैंप के लिए लिखते हैं तो आता है टी, तो t - t + t - t e^(t/t) ये हो जाएगा कैंसिल, तो टी बाहर ले लिया 1 - e^(t/t) आ जाएगा ये। चलिए जी इसको याद रखें और स्टूडेंट इसको याद रखें। फिर चलते हैं हम लोग व्हेन इनपुट इज इंपल्स फंक्शन, जब इनपुट हमारा एक इंपल्स फंक्शन है यानी कि आर एस बराबर 1,
तो सी टी बराबर आएगा 1/t e की -t/t, और एरर आ जाएगा RT माइनस CT, यानी 1 - 1/t e की -t/t। अलीम खान जी, थैंक्स फॉर स्टार्टिंग कंट्रोल सिस्टम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। चलिए, स्वागत है आपका इंडिया के इस टेक्निकल चैनल पर। बाकी और बताइए, पाकिस्तान में सब अच्छा है? अलियन खान, ऑल स्टूडेंट वॉच योर लेक्चर हेयर इन अवर यूनिवर्सिटी। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। स्टूडेंट, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो यार, नहीं तो आप फिर बोलोगे कि सर ने स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया। शायद बच्चे थक गए हमारे, बच्चे बड़े शैतान हैं अपने ना, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाओ तो थक जाते हैं यार। लेकिन ये जरूर है कि अपने बच्चे जितने भी हैं, कम हैं लेकिन सब सज्जन बच्चे हैं, और मेन बात है कि बड़े डिसिप्लिन बच्चे हैं, तो आप लोग सभी तारीफ के पात्र हैं भाई। चलिए, नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। जिसने ये 2-2.5 घंटे की क्लास भी जो देख लेगा ना, उसको सब सवाल आ जाएंगे, सब सवालों के जवाब देकर आएगा। देखिए, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए सी एस अपॉन आर एस बराबर ओमेगा एन स्क्वायर, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एस स्क्वायर प्लस 2 जेटा ओमेगा एन एस, मीन्स इसका मतलब है डैम्पिंग फैक्टर। इसका मतलब है इसको डैम्पिंग फैक्टर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अगर हम लोग लें बराबर 0, इसका मतलब है अनडैम्प्ड कंडीशन। अगर हम लोग लें जीटा बराबर 1, तो इसका मतलब है क्रिटिकली डैम्प्ड। पूरे भी पढ़ाऊंगा यार, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। आप लोगों के जो 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 एक जज्बा है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात बताओ ना अंकित गुप्ता जी, डांट पड़ेगी आपको। मैं क्लास में 90% हिंदी में बोलता हूँ यार। कोई बात नहीं, मैं ओनर इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको चिंता ना करें। अगर जीटा लेस देन 1, तो उसको कहते हैं अंडर डैम्प्ड कंडीशन। एक होता है हमारा 1, इसको कहते हैं ओवर डैम्प्ड कंडीशन। तो देखिए, इसमें आप लोगों को आरएस बराबर ये सब, यानी कि यूनिट स्टेप, ये सब रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप ये कंडीशन स्टडी करें, हम लोग कंडीशन स्टडी कर रहे हैं अंडर डैम्प्ड कंडीशन स्टडी कर रहे हैं। कब? जब जीटा लेस देन 1, और इनपुट किस तरह का है, इनपुट हम लोगों ने कनेक्ट किया है
यूनिट स्टेप इनपुट कनेक्ट किया है, यूनिट स्टेप इनपुट हम लोगों ने बच्चों कनेक्ट किया है। तो देखिए अंडर डैम्प्ड का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको देख ले भाई, अगर आएगा तो यहीं से आएगा बच्चों, और इस चैप्टर का ये समझिए कि लास्ट है, बस ये चैप्टर लास्ट है। देखिए इसका मतलब क्या है, पकड़िएगा बात को, ये रखा है आपने यहां पर मैग्नीट्यूड है 1। तो अंडर डैम्प्ड जो स्थिति होती है ये कंडीशन होती है कुछ ये वाले, ये कंडीशन होती है हमारी, ये हमारी क्या है स्टडी स्टेट कंडीशन, ये है स्टडी स्टेट कंडीशन, ये है, ये अंडर डैम्प्ड में स्थिति है यानी कि जीटा लेस देन 1 और यूनिट स्टेप इनपुट के केस में। देखो एक बच्चा कह रहा है कि आरआरबी जे में, मुझे भी आरआरबी जे में कंट्रोल नहीं है, लेकिन आज का समय तारीख नोट करो, आरआरबी जे में 2 या 3 सवाल कंट्रोल से जरूर पूछेगा। मूर्ख बनाते यार ये बच्चों को कि नहीं देंगे, ये पक्का आएगा। देखिए जब ये 0 से कितना है मैग्नीट्यूड कितना है जो स्टडी स्टेट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 1, ये वैल्यू अचीव करेगा इस समय को कहेंगे राइज टाइम, ये क्या है पीक वैल्यू, इसको कहेंगे फर्स्ट पीक, यहां से यहां इस समय को कहेंगे पीक टाइम, ठीक है जी, यहां से इस वैल्यू से पीक तक इसको कहेंगे ओवरशूट, उसको कहेंगे हम लोग मैक्सिमम, मैक्सिमम ओवरशूट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एमपी से। यहां से जब वो स्टडी स्टेट में पहुंच गया इसको कहेंगे टीएस, मतलब सेटलिंग टाइम, इसको क्या कहेंगे सेटलिंग टाइम। तो मुझे यहां बस 4 फॉर्मूले लिखवाने हैं, 4 फॉर्मूले लिखवाने हैं, इसको मैं करता हूं रफ यहां से, देखिए जी राइज टाइम के लिए फॉर्मूला होगा पाई माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा अपॉन में ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, अगर आएगा तो डायरेक्टली टिक करने को आएगा, अदरवाइज चांस कम है। टी पी पीक वैल्यू, और ये देखिए ये भी दिमाग में रखना है स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पीक के लिए, फर्स्ट पीक के लिए तो फॉर्मूला पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये सब किसमें है सेकेंड में ले रहे हैं लोग में। फिर देखिए अगर हम बात करें सेकेंड पीक के लिए, सेकेंड पीक की बात करें तो सेकेंड पीक मिलेगा हम लोगों को 3 पाई अपॉन ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर पर। फिर चलते हैं मैक्सिमम यानी कि परसेंटेज ओवरशूट पर, ई की पावर माइनस पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100, ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। सबसे ज़्यादा अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने का चांस है तो स्टूडेंट ये पीक वैल्यू से होता है या सेटलिंग टाइम से। फिर टी एस, इसको क्या कहेंगे सेटलिंग टाइम 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, ये हो जाता है सेटलिंग टाइम। तो ये कहलाएगा स्टूडेंट राइज टाइम, ये कहलाएगा पीक टाइम, पीक टाइम फर्स्ट पीक टाइम, ये मैंने लिख दिया ऑलरेडी मैक्सिमम, मैक्सिमम ओवरशूट, और ये है सेटलिंग टाइम, ये क्या है सेटलिंग टाइम, ठीक है जी, ये क्या है सेटलिंग टाइम। यार डिले टाइम वगैरह की जरूरत नहीं है ना, जितना शॉर्ट नोट्स में करवा रहा हूँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया यार कि नहीं आएगा, तुम आ जाना मेरे पास, मैं मिलने हैं कि सर ये आया था। ठीक है जी, तो ये भी हम लोगों ने देखिए ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, इतना टाइम तो मैं दे ही रहा हूं।
चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, हम पढ़ दें यहाँ पर, बच्चे भी कह रहा था कि राउथ हुरविट्स क्राइटेरिया, हम पढ़ दें यहाँ पर स्टेबिलिटी को पहले, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं राउथ हुरविट्स क्राइटेरिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग राउथ हुरविट्स क्राइटेरिया, और भैया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछता है और ज़्यादातर पूछे जाने का चांस वहीं से रहता है। ऑलरेडी एसएससी में सवाल दिया जा चुका है, ऑलरेडी एसएससी में सवाल आ चुका है। टू पर स्टेडी स्टेट एरर का मतलब होता है, देखिए जब टॉलरेंस कहीं या एरर कहीं ना वो 2% हो जाती है, और जो टाइम कॉन्स्टेंट है ना वो 4T दिखाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग राउथ हुरविट्स क्राइटेरिया को। नेक्स्ट है जी राउथ हुरविट्स क्राइटेरिया। देखिए बच्चों यहां दिमाग में रखेंगे, यहां होता है हमारा करैक्टरिस्टिक्स। देखिए 1+GSHS=0 ये कहलाती है करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये कहलाती है करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन 1+GSHS। तो अब यहां से कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, और देखिए न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ ये बता रहा हूं मैं कि यदि फर्स्ट कॉलम में यहां से न्यूमेरिकल करते समय ये ध्यान देंगे, अगर आपको जीएस और एचएस दिया है तो उसको करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में ढाल लें 1+GSHS में, ठीक है जी। पहला काम आप वही करें, और न्यूमेरिकल ले रहे हैं, न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल में अगर तरीका मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, और न्यूमेरिकल में अगर फर्स्ट कॉलम में नेगेटिव साइन आएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि सिस्टम अनस्टेबल है, और जितने भी नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे ये रिप्रेजेंट करेगा कि उतने ही पोल्स या रूट्स राइट हाफ में एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ स्टेबिलिटी को मैं बता दूं, जैसे ये कहलाता है पॉजिटिव रियल, ये कहलाता है नेगेटिव रियल, ये कहलाता है पॉजिटिव इमेजिनरी, और ये कहलाता है नेगेटिव इमेजिनरी, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को देखना होता है, इस लाइन को याद रखेंगे, इफ रूट्स लाइज इन राइट हाफ, इट मीन्स सिस्टम इज अनस्टेबल, स्टूडेंट अगर रूट्स हमारे राइट हाफ मतलब इस तरफ अगर एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल कहलाएगा, और अगर पहली कॉलम में बस मेरी मेहनत यह है कि आप लोगों की नौकरी लगे, और क्या भाई। देखिए जैसे ये सवाल दिया है s² + 2s³ + 6s² + 4s + 1=0, ये कोई भी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यहां पर दी गई है, इस करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को देखकर आप लोगों को ये बताना है कि ये स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो यहां से एक काम कर ले, सॉरी ये s⁴, यहां से एक काम करें, एक प्रॉपर सीक्वेंस यहां से लिखना सिखा रहा हूं मैं, और इसी के अकॉर्डिंग आप भी चलें, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करें। यहां से लिखें s⁴, फिर लिखें s³, s² s⁻¹ और s⁴₀, ठीक है। अब देखो s⁴ एक एक को छोड़ के लिखिए, कारण हम बाद में बताऊंगा आप लोगों को जब डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को छोड़ को लिखिए। तो यहां देखिए इसका मल्टीपल कितना 1, तो 1 लिखा, इसका मल्टीपल कितना 6, इसका 1, फिर ये 2 है और ये 4 है, तो यहां कितना लिया 2, यहां कितना ले लिया 4, ठीक है। यहां कितना आ गया हमारा ये 4। तो यहां अब s² में देखिए क्या लिखेंगे, यहां से इसमें गुणा करिए, आप कहेंगे 2 × 6 यानी कि 12, फिर यहां से इसमें गुणा करिए, माइनस कर दीजिए, लेकिन इसकी इसकी गुणा करिए कितना हो गया 12, माइनस करिए इसके और इसके गुणा कितना हो गया 4, बटे इस 2 से डिवाइड कर दो,
तो कितना आ गया देखो, 8/2, यानी कि आपको मिल गया यहाँ 4। ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स बनाते चलो बस इसी वे में ना, और इसको रटो मत भाई, प्रैक्टिस में लाओ बस। अब देखो इसका काम खत्म। अब यहां पर एक एलिमेंट देखे कैसे लिखेंगे, इस 2 की a के साथ में गुणा करो, तो 2 एकम 2, यहां कुछ है नहीं तो मतलब 0, तो 0 के साथ गुणा करी 0, बटे क्या रखें, ये 2 रखें, तो 2 से 2 काट के कितना मिल रहा है 1। अब और आगे चलते हैं, ये आ गया, इस 4 से यहां गुणा करो कितना हो गया 16, इस 2 से यहां गुणा करो कितना हो गया माइनस के 2, बटे में क्या कर दो 4, कितना हो गया 14/4, यानी कि 3.5, यहां तो कुछ आएगा ही नहीं। अब देखो 3.5 की इसके 1 के साथ में गुणा करो, इसकी साथ में गुणा, इसकी यहां कर दे लेकिन 0 है, और फिर डिवाइड कितने से करेंगे 3/5 से, तो ये आ जाएगा 1। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर पहली रो में कोई भी साइन चेंज ना हो, पहली रो में कोई भी साइन चेंज ना हो तो भैया सिस्टम कहलाएगा स्टेबल, अदरवाइज सिस्टम हो जाता हमारा अनस्टेबल। तो क्या कहलाएगा ये सिस्टम हमारा, स्टेबल सिस्टम, क्योंकि पहले किसी भी कॉलम में देखिए यहां पर साइन चेंज नहीं हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया ये सिस्टम हमारा स्टेबल है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं यार, एक ने मेरे गल और ले लेता हूं बस। एक ने मेरी गल और लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये राव थोरिटीज क्राइटेरिया एसएससी में भी पूछ चुका हूं 2 बार भाई, ये पूछता है यहां से। चलिए छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। राहुल यादव जी लेट क्या, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गई। चलिए न्यूमेरिकल है, 2s4, 2s3, एस स्क्वायर 3s प्लस 2 बराबर 0। आपको बताना है सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, आपको बताना है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। देखिए जी, s की पावर 4, s की पावर 3, s स्क्वायर, यहां s और यहां s की पावर 0, यहां मल्टीपल लिखिए, यहां कितना 2, इसका मल्टीपल 1 और यहां 2, अब ये 2 और 3, 2 लिखा है और 3 लिखा, लिख लिया। आप शुरू करिए, इस 2 से इसमें गुणा करो तो कितना, इधर साइड में देख लेते हैं, 2 एकम 2 हो गया, फिर माइनस के कितने हो गए, माइनस के 6 अपॉन में क्या कर रहे हैं 2। ठीक है, तो ये कितना मिल रहा है, माइनस के 4/2, यानी कि यहां मिल गया हमें माइनस के 2। अब आगे देखिए, इस 2 से इस 2 में गुणा करिए, यानी कि यहां से यहां गुणा करिए, तो 2 दूनी 4, माइनस यहां गुणा करते तो 0, बटे में 2, कितना मिला 2। आगे चलिए, यहां से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस के कितने हो गए 6, और माइनस क्या करेंगे हम लोग 4, बटे में माइनस के 2, तो माइनस के 10 बटे माइनस के 2, यानी कि मिला हमें 5 मिल गया। अब यहां से जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहां कितना आएगा, ये 5 × 10, ठीक है, बटे 5, यानी कि 2। देखिए जी, यहां पर अगर हम लोग देखें फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो गया, फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये है अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम। और कितने रूट, देखिए नंबर ऑफ साइन चेंज से पकड़िए बात को, नंबर ऑफ साइन चेंज क्या है, नंबर ऑफ साइन चेंज कितना, देखिए पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ साइन चेंज कितने 2, इसीलिए नंबर ऑफ रूट्स लाई इन राइट
हाफ बराबर दो। कितने रूट राइट हाफ में होंगे? दो रूट हमारे राइट हाफ में होंगे। सिस्टम क्या हुआ? अनस्टेबल। क्लियर हुआ? चलिए जी, तो ये राव थ्योरेटिस क्राइटेरिया से भी सवाल आता है, ये भी हमारा कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुमार साहिल जी, आरआरबी जेई किस जोन से भरे? तो इसमें तो मैं इसलिए हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि कंपटीशन हर जगह है, क्योंकि अब सभी लोग दिमाग लगा के ही फॉर्म भर रहे होंगे ना। तो इसमें तो यह बस ये देख लीजिए कि जहाँ भी सुटेबल हो, वैकेंसीज वगैरह जहाँ ठीक हो आप भर लीजिए, और नज़दीक भी भरो जब आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐसा। क्योंकि देखिए, ये तो दिमाग से निकाल दो, ये तो दिमाग से निकाल दो कि ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं पर सिर्फ आपका ही फॉर्म पहुंचेगा, किसी और का नहीं। तो फॉर्म तो जाएंगे जाएंगे, और सभी लोग देखभाल के भर ही रहे हैं। तो इस चीज़ पे इस चीज़ को बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग में ना रखिए। जो भर रहे हैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करिए, वैकेंसी जहाँ ज़्यादा है बस भर दो फॉर्म, और मेहनत करिए। बस मेहनत करना आपके हाथ में है, बाकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। चलो जी, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग। एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट रो अगर जीरो हो जाए, मैं बता दूं आपको ना, ये सब एडवांस केसेस हैं, तो ये जब मैं डिटेल में कंट्रोल लूंगा तब बताऊंगा आप लोगों को भाई, अभी चिंता ना करें तुम। ये सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स है, जहां से जिसको देखकर जो भी सवाल आएगा वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए हमारा पोलर प्लॉट। नेक्स्ट टॉपिक है पोलर प्लॉट। स्टूडेंट एक मिनट जरा, ये लोग चलेंगे, अगर मेरी क्लास लेट होगी तो बोल देना उनको 7:30 बजे चले। चले, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलर प्लॉट। अभिषेक कुमार जी, आई एम ए न्यू, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है भाई आपका। चलिए जी, करते हैं, जय श्री राम। देखिए बच्चों, पहली चीज तो ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी आपको कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया जाएगा तो उसको आपको बनाना है एस प्लस, यानी कि 1+SK फॉर्म में। जैसे मैंने जिक्र किया भैया, यहां पर ये STA 1+STB। और मैं बता रहा हूं आज आप लोगों को, पोलर प्लॉट इतने सिंपल वे में समझाने वाला हूं कि आपसे कोई भी सवाल बचने वाला नहीं है। तो GS बराबर K 1+ST1 ये आप लोगों को दे दिया। ये अभी हम बता चुके भैया कि N बराबर 0 का मतलब है टाइप 0 से, 1 का मतलब हो जाता है टाइप 1 से, और 2 का मतलब हो जाएगा भैया टाइप 2 से, ठीक है। और पोलर प्लॉट जो आप देख रहे हो, जनरली पोलर प्लॉट का मतलब क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेगा। किसमें? फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब देखना है बच्चों आपको कि जब भी आप पोलर प्लॉट की बात करते हैं, पोलर प्लॉट का मतलब है फ्रीक्वेंसी को आप चाहे मैग्नीट्यूड हो या फेज एंगल हो, 0 to infinity वेरी कराते हैं, और ये देखते हैं कि सिस्टम का बिहेवियर क्या रहा है। फिर इस चीज को ध्यान से समझ लें कि जब भी मैं लिख रहा हूं, देखिए बच्चों यहां इसका मतलब है 0 degree, -90, -180 degree, -270 degree और 360, तो आपको पता ही है माइनस और प्लस का मतलब हुई है। तो देखिए, ये मेरे लिए ये है, यहां पर ध्यान दें आप, ये होगा ऑर्डर 1 के लिए। ये बुक्स में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आप लोगों को ताकि आप आसानी से ड्रॉ कर पाए। ये होगा ऑर्डर 2 के लिए,
ये यहां पर है ऑर्डर थ्री के लिए और ये है ऑर्डर फोर के लिए। यहां पर क्या है, ये ऑर्डर फोर के लिए, क्योंकि देखिए अगर मैं कहूंगा 90 तो -90 ऑर्डर वन में भी है ऑर्डर टू में भी, अगर आप इस तरफ से लाएंगे तो ऑर्डर टू और इस तरफ से लाएंगे तो ऑर्डर वन। फिर देखिए आपको सबसे पहले बच्चों क्या करना है, पुट एस बराबर जे ओमेगा, पुट एस बराबर जे ओमेगा, तो ये हो जाएगा हमारा जी जे ओमेगा, ये हो जाएगा हमारा जी जे ओमेगा। प्रिया गुप्ता जी आज आपकी पहली क्लास है तो आज ही मैराथन क्लास रखी हुई है हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम की। आशुतोष कुमार गौरव जी आज यार पहले ये करा दूं मैं भाई, थोड़ा सा वेट कर लो, आज के बाद आपको पोलर परेशान नहीं करेगा। और देखिए नाइकिस्ट के नाइकिस्ट जिसको पोलर समझ में आ गया उसको तो नाइकिस्ट 100% समझ आ गया, नाइकिस्ट तो कुछ है ही नहीं। फिर जी जे ओमेगा बराबर के वन प्लस जे ओमेगा टी वन, वन प्लस जे ओमेगा टी टू, जे ओमेगा एन, वन प्लस जे ओमेगा टी ए, वन प्लस जे ओमेगा टी बी, पुट एस बराबर जे ओमेगा कर लिया आपने। इसके बाद देखिए बच्चों मैग्नीट्यूड लिखिए, मैग्नीट्यूड लिखा हमने तो जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो आपको पता है मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वन प्लस भाई रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर हमने क्या लिख दिया, ये देखिए मैग्नीट्यूड इस वे में लिखेंगे वन प्लस ओमेगा टी टू स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए हम लोग मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, सिंपल ओमेगा है ना आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा वन प्लस ओमेगा टी ए स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा वन प्लस ओमेगा टी बी स्क्वायर लिख दिया जी मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट एंगल देखिए क्या लिखेंगे, एंगल जी जे ओमेगा का एंगल होगा, देखिए ये तो ऊपर है पॉजिटिव तो इसका एंगल कितना होगा टेन इनवर्स ओमेगा टी वन, ऊपर क्या लिखते हैं आप इमेजिनरी, नीचे क्या लिखते हैं रियल, फिर प्लस एंगल आपस में जुड़ रहा है ना, फिर देखिए टेन इनवर्स ओमेगा टी टू, फिर यहां से देखना है बच्चों अगर ये जैसे हमने कहा ओमेगा एन है तो ऊपर जाके हो जाएगा ये 90n, अभी समझ जाएंगे आप एग्जांपल में, ये 90n नीचे से ऊपर जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा टी ए और माइनस के टेन इनवर्स ओमेगा टी बी, ये होता है एंगल को लिखने का एक तरीका। देखो अभी से ये तो समझ गए ऑर्डर वन टू थ्री फोर, आपको जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया जाएगा आप क्या करना है उसमें एस बराबर जे ओमेगा रखना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका एंगल निकालना है, बस मैग्नीट्यूड और एंगल। स्क्रीनशॉट लो और अभी एक न्यूमेरिकल लेता हूं, अभी एक न्यूमेरिकल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी न्यूमेरिकल पर आते हैं। अरे भाई अशोक जी भाई मैं किसी से क्यों नाराज रहूंगा, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये लिखना मैंने सिखा दिया आप लोगों को मैग्नीट्यूड और एंगल, अब देखते हैं हम लोग यहां से आगे चल रहे हैं भाई। देखिए हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है के अपॉन वन प्लस एस टी वन वन प्लस एस टी टू, कौन सा हो गया बच्चों ये कौन सा वाला टाइप जीरो, क्योंकि यहां एस की पावर कितनी है जीरो, चलिए देखिए जी क्या करना है, जी जे ओमेगा बराबर के वन प्लस जे ओमेगा टी वन और वन प्लस जे ओमेगा टी टू, ये काम किया आपने बच्चों। मैग्नीट्यूड लिखिए, मैग्नीट्यूड कितना होगा k
के अपॉन, आपको देखिए सिर्फ दो स्टेप में पूरा पोलर प्लॉट आपको सिखा देता हूं, ये पूरे दो स्टेप बस, जे ओमेगा लिखा, एंगल लिखो, वो सॉरी मैग्नीट्यूड लिखो, वन प्लस ओमेगा टी वन का स्क्वायर अंडर रूट में वन प्लस ओमेगा टी टू का स्क्वायर, ये लिख लिया हमने मैग्नीट्यूड, फिर रखो एंगल जी, जे ओमेगा बराबर, देखिए जी एंगल, तो जब नीचे से ऊपर एंगल जाता है ना, तो सिर्फ आपको क्या करना है, टेन इनवर्स इमेजिनरी कितना ओमेगा टी वन, ये भी टेन इनवर्स ओमेगा टी टू, ये कर लिया आपने। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये वैल्यू जीरो और इन्फिनिटी दोनों के लिए निकालना है। तो देखिए भाई क्या करें, जी जे ओमेगा, इससे बढ़िया मेथड कुछ नहीं हो सकता, ओमेगा जीरो पर निकालो, तो जब आप ओमेगा बराबर जीरो, इट्स नॉट इन्फिनाइट, ये क्या है जीरो, यानी कि मैग्नीट्यूड में जीरो रख दो ओमेगा की जगह और कुछ मत करो, तो जब आप जीरो रखेंगे, यहां जीरो रख दिया, ये जीरो रख दिया, मतलब नीचे कितना वन, ऊपर ये आ जाएगा भाई के। फिर देखो जी जे ओमेगा, अब रख दो ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो जब किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से भाग देंगे कितना बचेगा जीरो, तो मैग्नीट्यूड इसके लिए जीरो पर के मिला और ओमेगा पर इन्फिनिटी मिला। अब एंगल पर आ जाओ यार, एंगल देखा हमने जी जे ओमेगा, ओमेगा टेंस टू जीरो पर, यहां जीरो रखो, ये भी जीरो रखो, तो टेन इनवर्स जीरो कितने पर आएगा, एंगल जीरो, ये भी टेन इनवर्स जीरो कितने पर आता है, टेन में जीरो, जीरो पर, तो ये मिल गया हमें जीरो डिग्री। अब देखो एंगल कितने पे रखो, जी जे ओमेगा, ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कितने पे मिलता है, नब्बे पर, ये भी माइनस नब्बे, ये भी माइनस नब्बे, कितना हो गया आपका माइनस के 180, ठीक है ना, कितने हो गए आपके माइनस के 180। अब आपको इस वैल्यू, बस ये वैल्यू यूज करनी है आपको, के जीरो जीरो और 180। अब देखो यार कितना बढ़िया सवाल हो गया, आपने लिखा है जीरो डिग्री, ये कितना है माइनस के 90 डिग्री, ये कितना माइनस के 180 डिग्री, ये कितना माइनस के 270 डिग्री, जीरो डिग्री पर मैग्नीट्यूड कितना है, यहां ध्यान दे सब लोग, पता नहीं भाई चंद्र प्रकाश कब तक आएगी वैकेंसी, मैं भी कब से सुन रहा हूं यार, पता नहीं कब आएगी। यहां देखो जरा, यहां मैग्नीट्यूड कितना k, एंगल कितना जीरो, तो जीरो पर एक लाइन खींचो जिसका मैग्नीट्यूड हो k, लाइन खींच दिया। अब देखो यार जब मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट कर दिया तो एंगल कितना है माइनस 180 पर खत्म हो रहा है और मैग्नीट्यूड कितना घटके हो गया जीरो, जीरो और 180। अब ये देखो जे ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर का मतलब यहां भी एस और एस, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां सबसे हाईएस्ट नंबर क्या आएगा या पावर क्या आएगी एस की, आप कहेंगे एस स्क्वायर आएगा, तो एस स्क्वायर का मतलब है ये सेकेंड ऑर्डर, ये ऑर्डर फर्स्ट था, ये ऑर्डर सेकेंड है। तो भैया के से चलकर कितने पर एंड करवाना है, 180 पर, तो 180 पे सेकेंड ऑर्डर में कहां होगा, यहां पर, ये हो गया इसका पोलर प्लॉट। और क्या करना भाई, ये हो गया पोलर प्लॉट। देखो एक बार इसको सर, ठीक है जी। अब देखो ये भी ध्यान दें, ये जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है यहां पर वन अपॉन अंडर रूट टी वन टी टू, और जब हम ये लिखेंगे तो इसका वैल्यू लिखेंगे, ये जितना एडवांस हो सकता था वो लिखवा दिया मैंने, माइनस के अंडर रूट टी वन टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, ये इससे ज्यादा एडवांस कुछ नहीं हो सकता। तो टाइप जीरो के लिए हम लोगों ने देख लिया कि पोलर प्लॉट ये बना। अभी आपको एक और समझाता हूं, चिंता ना करो, रिपीट नहीं, मैं दूसरा सवाल लेके करवाता हूं आप लोगों को, मैं दूसरा सवाल लेता हूं अभी, टाइप वन के लिए चलते हैं अभी, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे चले, आपकी इजाजत हो तो भाई। यार तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, अभी तो जरा तुम ये है कि सीबीटी 2 का एग्जाम है बच्चों का, एएलपी का, इसलिए मैं थोड़ा सा कम क्लासेज रख रहा हूँ, ये एक बार जरा वो एग्जाम लेने दो, हो जाने दो बच्चों का, फिर देखना, आपको तीन तीन घंटे उड़ाऊंगा ये,
लंबी लंबी क्लास करवा के, आपको कहीं भागने की जरूरत है ही नहीं। आप इतना पढ़ा दूंगा आप लोगों को कि आरआरबी जेई का जो भी सेकंड पार्ट होगा या जो फिजिक्स का सेक्शन है, आपको सारा रटा हुआ होगा, सब चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। बस वही है कि घर पे बैठ यार मेहनत करना है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं भाई, नेक्स्ट समझते हैं, क्योंकि यार ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो हो सकता है गेट के पेपर के लिए जा रहे हो तो वहाँ सीधा सवाल पूछता है। देखिए ये हम लोगों ने ले लिया है टाइप वन के लिए, तो टाइप वन में यहाँ एस होता है। देखिए पुट जी क्या करें, जे ओमेगा, तो जे ओमेगा वन प्लस जे ओमेगा टी वन, वन प्लस जे ओमेगा टी टू। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड हो गया हमारे लिए, देखिए क्या के अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आएगा ओमेगा। अब देखिए इसके लिए मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें रियल और ये है दोनों है, वन प्लस ओमेगा टी वन स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी टू पूरे का स्क्वायर। चलिए जी एंगल भी लिख लेते हैं, एंगल देखिए क्या लिखेंगे, जी जे ओमेगा। बच्चों देखिए ये जे नीचे से ऊपर जाएगा तो इस जे का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, जे का मतलब होता है 90 डिग्री, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 90, यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, माइनस 90। फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस के टेन इनवर्स ओमेगा टी वन, फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा टी टू। ये हो गया मैग्नीट्यूड और एंगल। अब ध्यान देने वाली चीज ये है, यहां लिख लेते हैं जी जे ओमेगा, ओमेगा टेंस टू जीरो पर, तो ओमेगा टेंस टू जीरो पर यहां ओमेगा की जगह आपको क्या पुट करना है जीरो, तो अपॉन में जब जीरो कर दिया यानी कि के अपॉन जीरो का मतलब बना इन्फिनिटी से। यार ध्यान से देखें यहां ना, फिर देखिए जी जे ओमेगा, ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी, फिर इस मैग्नीट्यूड में नीचे इन्फिनिटी रखोगे तो यार ये आएगा के अपॉन इन्फिनिटी यानी कि जीरो। यार मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, अब एंगल क्यों देखे, जी जे ओमेगा, ओमेगा बराबर जीरो पर देखो भाई माइनस के 90, यहाँ जब जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो का मतलब है जीरो डिग्री, यहाँ टेन इनवर्स जीरो का मतलब है जीरो डिग्री, तो एंगल हाउ मच, आप फटाफट से कहेंगे 90, 90, जी जे ओमेगा, ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी बराबर, तो जब आप इन्फिनिटी रख रहे हैं माइनस के 90, फिर देखे अनंत का मतलब माइनस 90, इन्फिनिटी का मतलब फिर से माइनस 90 यानी कि माइनस के 270 डिग्री, ये आपकी कहानी बनी। देखिए जी जीरो डिग्री ये माइनस 90 डिग्री, ये माइनस के 180 डिग्री, ये माइनस के 270 डिग्री, ये ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, ऑर्डर फोर, एस एस एस, तो एस की पावर कितनी तीन, तो ऑर्डर क्या बना तीन, एंडिंग पॉइंट कहां पे होगा ऑर्डर तीन के साथ में। देखिए आप पकड़िएगा बात को, जीरो पर मैग्नीट्यूड कितना अनंत, तो अनंत का मतलब है, और एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है, तो अनंत का मतलब है कि भाई इसको कहीं पर भी कट नहीं करेगा, इसको कहीं पर कट नहीं करेगा, अगर कट करेगा तो इसका मतलब ये डिफाइंड हो जाएगा फिर, तो इसको दिखा दो ये अनंत यानी कि इन्फिनिटी, लेकिन स्टार्ट यहीं से करना है। अब देखो जब हमने फ्रीक्वेंसी को इन्फिनिटी किया यानी कि ये वैल्यू कब है, जब ओमेगा हमारी जीरो है, तो मैग्नीट्यूड कितना है, देखिए मैग्नीट्यूड कितना इन्फिनिटी, ये बना दो, फिर चलता गया, चलते गए और खत्म करना है माइनस के 270 पर, माइनस के 270 तो ये लाइन है, अब इधर का हिस्सा या इधर का हिस्सा, तो ये आप देखे ऑर्डर से, तो ऑर्डर कौन सा हुआ थर्ड ऑर्डर, तो एक दो और तीन, तो आप एंड कहां पर करेंगे ये, तो यहां पर देखिए ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी पर मैग्नीट्यूड घट के कितना हो गया जीरो, तो आप इस वे में चलते हुए चले गए, ये हो गया आपका पोलर प्लॉट। थोड़ा बहुत यार 1-2% समझ आया है,
ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है फिर पोलर प्लॉट लिखने का एक तरीका। अगर आप बहुत एडवांस चल रहे भाई तो ये यहाँ से यहाँ तक आप वैल्यू लिखेंगे के टी वन टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, क्लियर। यार टाइप वन, अब उसमें अब ये देखो ना, एस की पावर यहाँ कितनी है, मैंने लिखा है तो था शुरुआत यहीं से देखिए, एस की पावर एक है तो टाइप वन, एस की पावर दो है तो टाइप टू, एस की पावर चार है तो टाइप थ्री। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पोलर प्लॉट। इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक बच जाते हैं तो उनको हम लोग कभी ले लेंगे, कल देख लेंगे आधे घंटे की क्लास में। तो आज बहुत पढ़ाई होगी आप लोगों की, लगभग 2-2.5 घंटे हो गए मुझे कंटिन्यूअस मैं क्लास ले रहा हूँ। तो चलो आज अब मैं भी आराम करता हूँ, आप लोग भी आराम करिए, ठीक है। तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी काफ़ी हो जाती है, ऑनलाइन क्लासेस भी रहती है। तो बाकी वही है कि यार अपने अंदर उतनी जुनून ये होना चाहिए आपके अंदर, वो जुनून आपको पैदा करना है कि चाहे कुछ भी हो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देंगे। और वही है कि एक बार सिलेक्शन हो गया तो अपने आप से आपका जो लाइफ स्टाइल है पूरा का पूरा एकदम चेंज हो जाएगा। तो बस आपको ज़रूरत है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला किसी की मेहनत रखेगा नहीं, सबको उसकी मेहनत मिलेगी। लेकिन वही है कि जो करेगा उसको मिलेगी, जो नहीं कर रहा है, जो आराम कर रहा है भैया, जो कुछ एफर्ट नहीं कर रहा है या जो हद से ज़्यादा दिमाग लगा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहेगी। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच के साथ में बस आगे चलते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।